तीन तरीका है, कहते हैं कि सोता और ये सरोता और ये श्रोता। कहते सोता मतलब क्या है, कहते वो देख देख करके बैठते हैं, कहां बैठने पर बढ़िया नींद आए, हां वो देख देख कर बैठेगी। सोता मतलब कथा में जो आकर के सो जाए। दूसरा नंबर है सरोता। सरोता मतलब होता है जिनकी कथा में जिनकी रुचि नहीं है। अरे भागवत कथा में तोता तो लगाए नहीं, यहाँ केले का पेड़ कहाँ है, ये नवग्रह की तो पूजा की नहीं, ये कैसे कथा है, इनकी कथा बता से कोई मतलब नहीं है। हाँ देखो, जब श्री सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे, जब 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, जब श्री परीक्षित महाराज उनको प्रश्न किया आत्मा को कल्याण कैसे होगी, सब कर दे रहे थे, लेकिन जिसको सुन करके परीक्षित महाराज संतोष नहीं हुए, जब उन्हें हृदय से ठाकुर जी को स्मरण किए, तब श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर प्रकट होते हैं। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी आकर के बैठे, फिर तो परीक्षित महाराज प्रश्न की झड़ी लगा दी। जब प्रश्न की झड़ी लगा दी, जिस प्रश्न को सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, बस ठाकुर जी की कथा सुनना शुरू कर दिया। इसलिए भगवान की कथा सुनने के लिए ये पूजा की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कथा ही कृष्ण है, कथा ही ठाकुर जी हैं, कथा और कोई नहीं। इसलिए बंगला में भी कहावत है, बोले हरि कहाँ है बट ठाकुर जी कहाँ है, बोले भैया हरि कथा में, हरि कहाँ है, बोले हरि के बोले ठाकुर जी कथा में ही हरि है। अरे जहाँ पर श्री ठाकुर जी है वहां पर और किसी पूजा की जरूरत नहीं, ठाकुर जी की कथा ही सर्वश्रेष्ठ है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए हमें सरलता नहीं होनी चाहिए, दोष नहीं ढूंढनी चाहिए, हमें मधुमक्खी जैसे हमें ग्रहण करनी चाहिए। और जो तीसरा नंबर है श्रोता है, श्रोता मतलब होता है जो केवल भागवत की सार सार वस्तुओं को ग्रहण करे और असार को त्याग दे। मैंने कल बताया था कथा चार ही तरह के है, कितने तरह के हैं कोई बता सकते, चार तरह में क्या क्या कथा है, किसको याद है बोलो, किसको याद है, बोले एक सात्वी, एक राजसी और एक है दिव्यगुण। बोले सात्वी की कथा किसको कहते हैं, दो महीना हो कथा सुनने, लेकिन उसको बाद में फिर कथा से कोई फर्क मतलब नहीं रह जाती, इसको कहते हैं सात्विक कथा है। राजसी कथा किसको कहते हैं, बड़े ठाड़ बाड़ से कथा की आयोजन की, सबको बुलाए भैया कथा सुनने आओ कथा सुनने आओ, लेकिन कभी कभी व्यवस्था में इतने बिजी रह गए, कौन आए कौन नहीं आए को कहा किसको ठहरवाना, कभी कभी व्यवस्था में इतने बिजी हो गए, जो असली चीज जो कथा है वो कथा ही नहीं सुन पाए, ये कथा को कहते हैं राजसी। तामसी कथा किसको कहते हैं, जैसे सात दिन तक कथा है, कभी सुने कभी सुने ही नहीं, कभी बीच में खड़े हो गए एक चक्कर लगा करके आ गए, नहीं तो लास्ट में, मतलब किसी तरह से सात दिन बिता देना, इसको कहते हैं। लेकिन असली कथा क्या है, सही कथा क्या है, सही कथा है सदा सिद्ध्याम सदा सिद्ध्याम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रेण हरिस्तम समाश्रय। कहते सही कथा ही जो नियम करके अपना घर में गीता हो, नहीं तो रामायण हो, नहीं तो भागवत श्रीमद भागवत हो, ग्रंथ हो, जो रोज रोज अपना घर में कुछ ना कुछ ग्रंथों को पढ़े। इसलिए भागवत में बताए, अगर किसकी घर में भागवत का एक श्लोक रोज पाठ हो, कहते एक नहीं आधा श्लोक पाठ हो, बल आधा नहीं अगर एक चौथाई भी किसी घर में ये भागवत श्लोक का पाठ होना, कहते उसको घर में राधा रानी को साथ में श्री वाक्य बिहारी का निवास होता है, ठाकुर जी का निवास होता है। इसलिए बल ये श्रीमद भागवत ग्रंथ कृष्ण स्वयं है। इसलिए जिस समय कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे, वहां पर श्री उद्धव भी थे, बोले प्रभु जी आप तो ये संसार छोड़ करके जा रहे हो, बोले हाँ, बोले अभी मैं किसको साथ में रहूंगा,
हम तो सारा जीवन एक साथ में रहे, खेले कूदे सब काम किया, आप तो अभी हमें अकेले छोड़ करके जा रहे हो, बताओ अभी मैं अकेला कैसे रहूं। तो कृष्ण स्वयं कहते हैं, उद्धव एक स्वरूप में तो ये संसार छोड़ करके मैं जा रहा हूँ, लेकिन कलयुग में मैं दूसरे स्वरूप में रह गया। बोले ठाकुर जी कलयुग में आप किस रूप में रहोगे? बोले जी जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ये ग्रंथ रूप में ये संसार में मैं रहूंगा। अगर ये कलयुग में ये ग्रंथ को कोई श्रवण करे, ये ग्रंथ को कोई अध्ययन करे, ये कथा सुनना या ये ग्रंथ पढ़ना ये कोई अलग नहीं, मानो मेरे साथ में साक्षात रूप में मेरा साथ दर्शन है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, श्री बोले कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः कलो नष्टा दृशा में स पुराण अर्का धुना उदित। जब भगवान कृष्ण चले गए, घोर कलयुग आ गया, जिस कलयुग में केवल कलह लड़ाई झगड़ा, जहां पर भाई भाई में लड़ाई, जहां पर बहू बहू में लड़ाई, जहां पर आपस में लड़ाई, जहां पर पड़ोस में लड़ाई, देश देश में लड़ाई, मन मन में लड़ाई, इसलिए इसका नाम कलयुग है। लेकिन कलयुग का कल्याण कैसे जीव का होगा? ये घोर अंधकार जब आ गए, कहते भागवत कथा रूपी जो सूरज अपने आप दूर हो जाते हैं, अगर ये भागवत कथा को कोई श्रवण करे तो हमारे हृदय की अज्ञान अपने आप ये खत्म हो जाएगा। ये वाक्य बिहार स्वयं कहते हैं, उद्धव जी कलयुग में ये भागवत कथा जो सुनते हैं वो कथा नहीं सुनते हैं, मेरे साथ में इनकी साक्षात्कार हो रही है, इसलिए ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं बोले तेन अयत बांगमय मूर्ति। भगवान कलयुग में सप्त ब्रह्म रूप में जीवों को कल्याण करने के लिए श्री भागवत ग्रंथ रूप में जगत में प्रकट हुए हैं। एक बार भागवत की जयकार दो। श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जयकार में आनंद तो कुछ जय को हे ले लो, जोर से जयकार देगा ना तो जितने जयकार देगा उसको उतना ही जय होगा, उसको ही इतना जय होगा। जोर से बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। देखो इसमें धा ग ब त ये चार अक्षर है, यदि ये चार अक्षर में ये भागवत का जो रहस्य है ये चार अक्षर में छुपा हुआ। आज मैं इसका मतलब बताऊंगा और कल सुनूंगा और मेरे को बोल पाता, ठीक है? सबके सब ध्यान से सुनना और कल मेरे को बोलना। कहते भा मतलब क्या है? बोले भाति सर्वेशु लोकेशु। बोले इसमें ग, बोले ग मतलब क्या? बोले गीयते नारदादि भी। बोले प, बोले वरिष्ठ सर्व शास्त्रेषु। बोले त, बोले तरणी च भवानवा। बोले भा मतलब क्या है? बोले भाति सर्वेशु लोकेशु। ये मत समझो केवल हम भारत भागवत की प्रभाव से, भाव मतलब होता है प्रकाश, हैं? ये भागवत का प्रकाश से ये विश्व ब्रह्मांड में जो सृष्टि स्थिति प्रलय है ये भागवत की कथा के माध्यम से होता है। इसलिए स्कंद पुराण में आया ये उद्धव जी स्वयं कहते हैं, कहते मेरे गुरु जी मेरे को एक कथा सुनाए थे, बोले जिस समय वाक्य बिहारी भगवान कृष्ण ये जगत को उन्होंने सृष्टि की, सर्वप्रथम उन्होंने तीन देवता को सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा को बोले तुम्हारे काम सृष्टि करना, ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये सृष्टि का काम रजगुण का काम है, ये रजगुण से मेरी मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले देखो 7 दिन तक भागवत कथा सुनोगे फिर आपको ये रजगुण व्याप्त नहीं कर सकता, ये भागवत की प्रभाव से दुनिया को तुम सृष्टि कर सकते हो। इतने में भगवान विष्णु आए, बोले प्रभु जगत का पालन तो आपका कृपा से मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये जो सत्व गुण का काम है और ये लक्ष्मी को मैं कैसे पालन करूँ? बोले आप भी कथा सुनो और सुनाओ। इसलिए नारायण जब कथा सुनाते हैं वो माँ लक्ष्मी बैठ करके स्वयं कथा सुनती है। हम लोग तो 7 दिन तक कथा सुनेंगे, लेकिन जब नारायण ये भागवत कथा करते हैं कहते एक महीना में ये कथा को वो पूरी करते हैं। अभी माँ लक्ष्मी भी कथा करती है और नारायण स्वयं बैठ करके कथा सुनती है, सुनते हैं। माँ लक्ष्मी कितने दिन में भागवत कथा को पूरी करते हैं?
बोले दो महीना है, मतलब नारायण जितने सुंदर कथा कहते हैं उससे सुंदर महालक्ष्मी की कथा सुंदर होती है। अभी श्री शंकर जी भोले बाबा है, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से कि जगत का संहार तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो संहार है ये तमोगुण का काम है, अब ये तमोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। भगवान ने कहा देखो शंकर जी आप कथा सुनो और कथा सुनाओ। इसलिए शंकर जी जब कथा करते हैं माँ पार्वती बैठ कर कथा सुनती है, कहते कथा को ये कितने दिन में पूरी करते हैं, बोले एक साल। शंकर जी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए ये कथा करते हैं, क्योंकि शंकर जी परम वैष्णव शंकर जी, इसलिए एक साल लगता है ये कथा को उनको पूरी करने के लिए। अभी माता पार्वती कथा करती है, कहती है पार्वती कौन है, बोले ये वैष्णवी है, ये माता वैष्णवी देवी है, ये वैष्णवी है। जब ये माता पार्वती कथा करती है भागवत को शंकर से भी ज्यादा सुंदर कथा माता पार्वती करती है, सुंदर करके व्याख्या करते हुए और उनको पूरी करने के लिए उनको लग जाती है दो साल। ये दो साल लगाती है माता पार्वती कथा को विश्राम करने के लिए। देखो ये कथा के इतने महत्व है कि जो विश्व ब्रह्मांड है ना, विश्व ब्रह्मांड किसकी प्रभाव से चल रही है, कहते केवल कथा के प्रभाव से ही ये विश्व ब्रह्मांड सृष्टि स्थिति प्रलय ब्रह्मा विष्णु महेश सारा दुनिया के काम केवल भगवान की कथा के माध्यम से करते हैं। इसलिए कथा की बड़ी महिमा है, भगवान कथा की ये बड़ी महिमा। इसलिए इसका पहला अक्षर है भाव, भाव मतलब होता है प्रकाश, बोले दूसरा अक्षर है ग, बोले ग मतलब क्या होता है, बोले गीयते नारदा विधि। ये कथा को गान करने वाले कौन है, बोलने वाले कौन है, इसलिए इसका नाम है भागवतम। भागवतम मतलब होता है ये भागवत सर्वप्रथम भगवान विष्णु स्वयं ये चतुश्लोक के रूप में ये ब्रह्मा को प्रदान करते हैं, पर यही कथा ब्रह्मा जी फिर वो नारद जी को देते हैं, पर यही कथा श्री नारद जी फिर व्यास देव को देते हैं, पर यही कथा श्री व्यास देव फिर सुखदेव गोस्वामी को दिए, फिर वही सुखदेव गोस्वामी श्री सुत गोस्वामी को देते हैं, फिर सुत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को ये कथा सुनाते हैं। इसलिए ये कथा को स्वयं भगवान से सबसे पहले ये ठाकुर कथा निकली, इसलिए भगवत प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान के द्वारा बताया गया ये श्रीमद् भागवत। इसलिए कथा को कौन कौन गान करते हैं, नारद व्यास पराशर सूत बड़े बड़े ऋषि लोग इस कथा को गान करते हैं, इसलिए इसका दूसरा अक्षर है ग, बोले तीसरा अक्षर है ब, बोले ब मतलब क्या होता है, बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु। जब व्यास देव ने सारे ग्रंथों को उन्हें रचना की लेकिन उनको शांति नहीं मिली, लेकिन जब नारद जी आकर के उनको उपदेश दिए, जब उन्होंने ये भागवत ग्रंथ लिखे, फिर उनको पूर्ण रूप में शांति केवल ये भागवत कथा से ही, भागवत ग्रंथ रचना करने पर तब उनको पूर्ण शांति मिली। इसलिए कहते जितने सारे ग्रंथ है उनका जो सार है श्रीमद् भागवत है, कहते तद रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्रस्यात् रसिकुची। अगर भागवत रस जिसको मिल जाए ना, इसको सामने जगत का जितने रस है वो सारे रस फीकी पड़ जाती है, कोई ये भागवत रस को कोई पान करे। इसलिए इसका तीसरा अक्षर है ब, बोले चौथा अक्षर है त, बोले त मतलब क्या, बोले तरणी च भवार्णव। अगर ये भवसागर से कोई पार होना चाहते हैं, इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी को अभिशाप लगा, जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोले तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कोई दान ध्यान योग तपस्या कुछ भी करने का तुम्हें जरूरत नहीं, बैठो और केवल कथा ही सुनो, और कथा सुनते सुनते जब तक तुमको ये अनुभूति नहीं हो जाए ये संसार से मैं पार हो गया हूं, तब तक मैं तुमको नहीं छोड़ेगा। इसलिए कथा सुनते 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 जब कथा की विश्राम हो गई, वृंदावन से रथ आ गया और श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज रथ में बैठ करके सीधा उन्होंने सारे लोगों को पार करते हुए सीधा उन्होंने ठाकुर जी को पास में चले गए,
इसलिए इसका चौथा अध्याय है ये भवसागर से पार होने के लिए ये एक तरणी, तरणी मतलब होता है नाव है, मतलब कथा रूपी नाव में बैठ जाओ संसार से अपने आप तुम पार हो जाओ। इसलिए ये भागवत को बताया कि कल्प तरु है, ये क्या है, क्या है ये कल्प तरु, मतलब क्या होता है आप लोग कथा नहीं सुन रहे हो, ये कल्प वृक्ष पर नीचे बैठे, कल्प वृक्ष मतलब होता है आप भागवत अगर सही सही नियम से आप कथा सुनो, आप नियम से ये कथा को सुनो, आप देखना जो कुछ ये भागवत से मांगोगे, जो कुछ आप मांगोगे सात दिन में, ये भागवत आपको सारी इच्छाओं को ये सात दिन में पूरी कर देते हैं। इसलिए इसको कल्प तरु बताया ग्रंथ है, आप कथा नहीं सुन रहे हो, ये कल्प वृक्ष के नीचे आप सबके सब कल्प वृक्ष को नीचे बैठे हो, जो दुखी है उन्हें सुख प्रदान करता है, जो संतान नहीं उन्हें संतान प्रदान करता है, जो निर्धन है उनको धन प्रदान करता है, जो रोगी है उसको ये निरोग प्रदान करती है भागवत। इसलिए ये भागवत कथा नहीं बैठे, आप कल्प वृक्ष को नीचे हम लोग बैठे हो। श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम लोग मेरे पीछे पीछे हम थोड़ा ठाकुर का कीर्तन करते हैं, सबके सब बैठे बैठे ताली बजाते हैं, तो थोड़े कीर्तन करो ठीक है। मैं बोलूंगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और हरे राम उसके बाद में क्या है, राम राम हरे हरे। देखो ठाकुर दास में तीन नाम है, कितना नाम है, हाँ पहला ये हरे, ये हरे मतलब क्या होता है, ये हरि से ये संबोधन में हरे, हरे मतलब होता है हमारे जीवन का जितने दुख कष्ट है वो सारे दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए उनका नाम हरि से हरे। और दूसरा अक्षर है कृष्ण, बोले कृष्ण मतलब क्या, बोले क्री मतलब होता है आकर्षण करना, खींचना, हमारा मन बड़ा चंचल है इधर उधर भटकता है, अगर आप क्री शब्द बोलो ना आप देखना आपको भटकता हुआ मन नहीं भटकेगा। आप लोग जैसे क्री लिखते हो ना, जैसे क्री री नीचे री मात्रा है ना, जो री है देखना, जैसे कहीं काई जम जाती है ना, वो काई को हटाने के लिए क्या करना है, कोई चीज ऐसे लेकर उसको निकालना पड़ता है। इसलिए हमारे जो मन है इधर उधर भटकती है, हमारे मन में बहुत महिला जम गई है, जब आप क्री शब्द बोलोगे मन की जितने महिला सब निकल जाएगी, और ये चंचल जो मन है वो भटकेगा नहीं, इसलिए उनका नाम क्री। और स्ना मतलब होता है आनंद देना, मतलब भटकते हुए मन को भटकना नहीं देना और हमें आनंद देना। और उसमें राम है, बोले राम हमें जो आराम प्रदान करे, जीवन में हमें जो शांति और सुख दे। अगर ये महामंत्र को कहोगे हमको तीन फल मिलेगा, कितना फल मिलेगा, क्या क्या बोलो, हरे मतलब क्या है, हरे मतलब क्या है, सारे दुख कष्ट का जो हर ले, कृष्ण मतलब क्या हुआ, मन को भटक नहीं दे जो हमें आनंद दे, और राम मतलब क्या है, जीवन में हमें जो आराम प्रदान करे। इसलिए ये महामंत्र से आपको तीन वस्तु की लाभ होगी, आप सब मेरे पीछे पीछे ताली बजाते हुए मीठी मीठी ये महामंत्र को बोल रहे ठीक है। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
बोले सत्य परम धीमह, कहते वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। अभी क्योंकि जो पहला जो श्लोक है वो किसका नाम नहीं दी गई, केवल उसमें उनका गुण 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 बताया। अभी एक गड़बड़ी क्या हो गया, जो जिसको पूजा करता है वो उसको कहीं उस श्लोक में लगा दिया। जो शंकर जी की पूजा करते हैं कहते भैया परम सत्य कौन, बोले सिर्फ भोले बाबा। अभी जो माता देवी को पूजा करते हैं कहते वो परम सत्य कौन है, बोले भैया देवी। अभी जो श्री हनुमान जी को पूजा करते हैं बोले परम सत्य कौन, बोले श्री हनुमान जी। अभी उन्होंने अपना अपना ढंग से श्लोक में लगा दिया, क्यों श्लोक में किसका नाम है ही नहीं। लेकिन श्री एक बल्लभाचार्य हुए वैष्णव संप्रदाय में, बोले भैया इसमें किसी की ध्यान नहीं की गई, इसमें तो सिर्फ केवल बांके बिहारी को ही प्रणाम किया है। क्योंकि जो सत्य है तो परम धीमा ही, जो परम सत्य श्री बांके बिहारी। बोले आप बांके बिहारी में कैसे लगा दिए, इसका कुछ प्रमाण दो। बोले प्रमाण ही जब कृष्ण, अभी हम चौथा दिन में सुनेंगे, जब कृष्ण देवकी गर्भ में आए उसी समय में 33 करोड़ देवता एक साथ में देवकी की स्तुति कर रहे थे। क्यों, गर्भ में ठाकुर जी थे। देखो सारे देवता क्या कहते हैं, बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनी निहितम च सत्य सत्य स सत्य मृत सत्य नेत्र शरणम प्रपद। ये सारे देवता श्री वाक्य विहार में कहते प्रभु पहले आप ही सत्य थे, अभी भी सत्य, बाद में आप ही रहेंगे, इसलिए आपका धाम भी सत्य, आपका भक्त भी सत्य है। सत्य कौन है, श्री वाक्य विहारी। बोले श्री वाक्य विहारी लाल की जय। लेकिन हमारे रसी की टीका का लोग कहते हैं भैया के केवल वाक्य विहारी को प्रणाम किया ना, और किसी को, बोले केवल वाक्य विहारी जी को नहीं, इन्होंने उनको साथ में श्री किशोर जी श्री राधा रानी को भी प्रणाम किया। यहाँ शिक्षा देते हैं भैया अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए, कृष्ण को साथ में श्री राधा रानी को पूजा करनी चाहिए। इसलिए आप लोग वृंदावन गए हो, कौन कौन वृंदावन गए हो आप देखना, वृंदावन में कोई भी वाक्य विहार का नाम नहीं लेते, वहां किसकी नाम लेते हैं, जोर से बोलो और जोर से, कहते वहां श्री राधा रानी का नाम क्यों लेते हैं। बोले कहा नहीं, कहते जब रा अक्षर कोई बोल देना, कृष्ण कहते भैया मैं तो उनका ऋणी बन जाता हूँ, सोचने लग जाता हूँ उसको मैं क्या दूं, मैं खुद को खुद दे देता हूँ। अगर रा अगर धा अगर दो अक्षर कोई बोल दिया ना भैया, मैं तो उसको पीछे पीछे भागता रहता हूँ। इसलिए बोले राधे राधे रब पर चले आएंगे बिहारी, इसलिए राधा जी का नाम लेते कृष्ण अपनी आवाज देते हैं। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं अकेले कृष्ण को कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, श्री किशोर जी को साथ में कृष्ण की पूजा करो। क्यों, जहाँ पर राधा रानी वहीं पर श्री श्याम सुंदर है। इसलिए जो पहला श्लोक है ये जुगल सरकार की उपासना की बात बताई, इनके चरण में पूजा करते हैं। बोले श्री जुगल सरकार की समय श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो, कलयुग में कृष्ण ही कलयुग में राधा जी की भाव अंगता से लेकर के श्री महाप्रभु का रूप में आए। एक दिन वो ब्रज मंडल परिक्रमा कर रहे थे, करते करते पहुंच गए एक बगुला वन। इन्होंने देखा एक वृक्ष के ऊपर में एक मैना और एक तोता बैठे हुए, और दोनों का अंदर लड़ाई हो रही है। बोले किस चीज की, कहते जो तोता ने कृष्ण का पक्ष ले लिया और जो मैना ने श्री किशोर जी के पक्ष ले लिया। तोता कहता है जानते हो मैना, बोले क्या बात है, बोले मेरे जो कन्हैया ना बांके बिहार गिरिराज उठा लिया था। मैना कहते चुप रहो, कृष्ण ने गिरिराज उठा लिया। बोले किसने उठाया था, मैना कहती है बताओ उन्होंने कौन सा हाथ में उठाया, बोले बाम हाथ में। बोले कौन सा अंगुली में, बोले बाम अंगुली में। बोले उठाया कैसे, बोले शक्ति से। बोले बताओ कृष्ण का शक्ति कौन है, बोले कृष्ण का शक्ति कौन है, राधा रानी। बोले गिरिवार किसने उठाया, इसलिए कहते ना कछु माथन पर बल बढ़ो, कछु गोपन ने करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गिरिवार गिरिवार उसके बाद में लिए उठाए। इसलिए बोले श्रीमती राधा रानी की जय। कितने में हमारे श्री तोता कहता है, बोले जानते हो हमारे कृष्ण सर पर क्या धारण करते, बोले मोर पंख। तब मैना कहती तेरे को पता है ये मोर पंख क्यों धारण करते, और तो बहुत सारे पंख है।
लेकिन मौर्य पद क्यों धारण करते हैं? बोले कारण है, बोले वो मौर्य पद में श्री राधा रानी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए उन्होंने राधा जी को बहुत राधा जी का नाम लिखा हुआ, इसलिए उन्होंने सर पर मौर्य पद धारण किया। नहीं, इतने में तोता कहता है, आप कृष्ण को देखना, वो तीन जगह से टेढ़े हैं, तीन जगह से कहीं देखो वो बाम तरफ में झुके हुए देखोगे, ऐसे करके झुके। इतने में तोता कहता है, हमारे जो श्याम सुंदर वो बाम तरफ में झुके हुए रहते हैं। मैना कहते, तुम्हें पता है बाम तरफ में क्यों झुके रहते हैं? बोले क्यों? बोले उस पर राधा रानी ना, वो राधा रानी की चरणों को पाने के लिए सर को ऐसे झुका कर रखते हैं। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते भैया, राधा के बगैर कृष्ण आधा है। इसलिए बोले चापी राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण है वस एक ज्योतिर्न राधा माधव स्वरूपम। कहते वो देखने में केवल ये दो है, लेकिन ये दो नहीं, वो एक ही है। केवल लीला विस्तार करने के लिए वो दो रूप में प्रकट हुए हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। जो मंगलाचरण का जो दूसरा श्लोक है, बोले ये प्रतिज्ञा देखो, ये भागवत कथा की कितने महिमा, जैसे यहाँ भागवत कथा हो रही है। और हमारे प्रभु जी, क्या नाम आपकी? समीर। क्या? समीर त्यागी। नवीन समीर। समीर प्रभु जी, इन्होंने घर घर में गए आपको निमंत्रण कार्ड देने के लिए, कथा होगी कथा सुनने के लिए आओ। देखो कथा की क्या महिमा, जैसे आपको पता चला कि कम्युनिटी हॉल में कथा होगी, अभी आप घर से नहीं आए, घर में बैठे, अगर किसी मन में केवल इतनी सी इच्छा हो गई मैं भागवत कथा सुनने जाऊंगी नहीं तो जाऊंगा, अगर इतना इच्छा अगर किसने कर लिया ना, सुखदेव गोस्वामी कहते सत्य हृत अवरुद्ध थे कृति भी तत्र सुश्रुषु भी तत्क्षणात्। ये कथा सुनने केवल इच्छा करने का मात्र उदाहरण दिया, जैसे एक व्यक्ति घर के अंदर में चले जाओ, अपने आप अंदर से कुंडी लगा कर बंद कर दो, कहते भैया कथा सुनने के इच्छा होते ही भाग्य लियारी और राधा रानी उसका हृदय में प्रवेश करते हुए अपने आप को कुंडी लगा कर बंद कर देते हैं। ठाकुर जी को अंदर से निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता है, केवल कथा सुनने की इच्छा अगर कोई कर दिया तो सचमुच से कोई कथा में आकर बैठ गया तो। सुखदेव गोस्वामी कहते भैया उनकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं जो ये भागवत कथा में आकर के बैठते हैं। बोले भैया कथा कौन सुन सकते? बोले सुश्रुषुभी। सुश्रुषुभी मतलब जिनकी करोड़ों करोड़ जन्म की कोई पुण्य उदय हुआ हो तभी ये कथा में आकर बैठ सकता है। अगर कोई बोलेगा भैया हम तो कोई पुण्य की नहीं, हमने तो ऐसे कोई भाग्य किया नहीं, कहते कुछ भी करने का जरूरत नहीं, आओ और कथा सुन लो, कथा में केवल बैठ जाओ कथा सुनने लग जाओ, बस कथा सुनते सुनते ही आप पुण्यात्मा बन जाओगे, ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में बंद हो जाएंगे केवल इच्छा मात्र से। इसीलिए दूसरा श्लोक है प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा क्या है? जो व्यक्ति केवल इच्छा करेगा कथा सुनने के लिए ठाकुर जी उसका हृदय में आकर के ठाकुर जी बंद जाएंगे, बद्ध हो जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। जो तीसरा श्लोक है ये आशीर्वाद देते हैं, ये हमें आशीर्वाद देते हैं। बोले क्या आशीर्वाद देते हैं? बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। बोले आप कथा नहीं सुन रहे हो, कल्प वृक्ष को नीचे बैठे, कल्प वृक्ष मतलब जो मांगोगे वही देगा। देखो और एक चीज अच्छी तरह समझो, कहते भैया ठाकुर जी से मांगना भी तो सीखो, ऐसे चीज मांगो, छोटी मोटी कोई चीज मत मांगा करो, ऐसे एक चीज मांगो जो एक चीज मिले और सब चीज मिल जाए। लेकिन अगर बेटा मांगोगे भागवत कथा से बेटा मिल जाएगा, नौकरी मांगोगे ठाकुर नौकरी दे देंगे, रोगी से मुक्त होना निरोग कर देंगे, दुखी हो सुख कर देंगे, लेकिन ठाकुर जी उतना दे करके ठाकुर तुम्हें छोड़ देंगे और कुछ नहीं देंगे। लेकिन कहते ऐसे एक चीज जो एक चीज मांगो सब मिल जाएगा। अब बता सकते हो ऐसे क्या चीज है जो ठाकुर जी से एक चीज मांगो सब मिल जाएगा? बताओ तो क्या वो चीज है? कौन बोले? हाथ उठाओ, बोलो क्या है? ठाकुर जी, ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी का सेवा है। देखो हनुमान जी से सीखो, हनुमान जी का नाम जानते हो? कौन कौन हनुमान का नाम सुने हो? सब जानते हो। जब माता सीता को उधार करके ले आए लंका अयोध्या में, भगवान राम हनुमान के ऊपर इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, बोले बेटा हनुमान अगर तू नहीं होता है ना, ये सीता जी को उधार करना इतना आसानी बात नहीं था।
तेरी वजह से माता सीता जी की उद्धार हुई। बोलो आज तुम चाहते हो क्या? आज जो कुछ तुम मांगोगे ना, मैं सब कुछ तेरे को देने के लिए तैयार हूँ। हनुमान जी ने क्या मांगा है? बोले बार बार बर मांगो हरसी देहु श्रीरंग पद सरोज अनुपायिनी भक्त बिठाओ जी। चाहते हो बार बार, एक बार नहीं बार बार बर मांगो है, क्या है? बल आपके चरण में भक्ति सेवा और पाहितों की प्रेम दो, केवल चरण की सेवा दो, भगवान राम प्रसन्न हो गए। आप लोगों ने रामायण देखे हो? कौन कौन रामायण देखे हो? आप देखना ये प्रसंग को निकालना, ये प्रसंग को निकाल करके देखना, जब भगवान राम हनुमान के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं, देखना कैलाश में शंकर पार्वती को दिखाया, क्योंकि हनुमान जी कौन? शंकर ही है। शंकर ही प्रभु की सेवा करने के लिए कहते रुद्र देह जी नह बस बानर भाई हनुमान, ये भोले बाबा शंकर बनकर के आए। जब राम हस्त रखते हैं हनुमान जी के ऊपर में, कैलाश में श्री शंकर जी को दिखाया, देखा वो हाथ किसको सर के ऊपर में? शंकर जी के सर पर। शंकर जी गदगद हो गए, बोले पार्वती आज मेरे जीवन में धन्य हो गए, देखो ठाकुर जी आज हमें भक्ति दे रहे हैं, आज मेरे को जीवन में सब कुछ मिलेगा, ये शंकर जी कहते हैं। इसलिए भगवान से भक्ति प्रेम मांगो, मांगने पर जीवन में सब कुछ मिल जाएगी। हाँ एक छोटी सी स्टोरी सुन लो। एक समय कोई एक अंधा था, अंधे ने शंकर जी को पूजा की, अभी शंकर जी खुश हो गए। शंकर जी बोले वर मांगो, उसने कहा देखो मेरे को तीन वर मांगूंगा, मैं पहले सोच कर आया। बोले क्या? बोले पहला वर है मैं अंधा, मेरे को हाथ मिल जाए। बोले दूसरा वर क्या है? बोले मेरे को कुछ अच्छे धन मिल जाए। बोले तीसरा वर क्या? बोले किसी सुंदरी लड़की से मेरी शादी हो जाए, मैं पहले सोच करके आया हूँ, इसलिए मेरे को ये तीन वर चाहिए। शंकर जी ने कहा मैं तेरे को तीन वर नहीं दे सकता हूँ, केवल एक वर दे सकता हूँ, जो कुछ मांगना तुम एक वर से ही मेरे को मांगना पड़ेगा। वो सोचने लग गया, बोले क्या मांगू? बोले कोई बात नहीं मेरे को एक ही वर दे दो। बोले बताओ क्या वर है? बोले मैं अपना बेटे को राजमहल के ऊपर में हाथी के ऊपर में बैठते हुए सोने की कटोरी में दूध भात खाते हुए देखो। आप समझ रहे हो? राजमहल के ऊपर में हाथी को पीठ के ऊपर में, बताओ राजमहल के ऊपर में हाथी को पीठ पर कौन बैठता है? बोले कौन बैठता है? राजा महाराजा लोग बैठते हैं। फिर अपना बेटे को, बोले बेटा कब होगा? शादी हो जाए तब बेटा होगा। फिर मैं अपना बेटे को दूध चावल सोने की कटोरी में खाते हुए देखो। अभी सोने की कटोरी में कौन खाता है? राजा महाराजा खाते। बोले देखो, बोले देखा कि कब जब आंख हो तब तो देखेगा ना। उन्होंने ऐसे एक वर मांग लिया, जो एक वर में उन्होंने तो सब कुछ मांग लिया। शंकर जी बोले भैया ये तो बड़ा चालाक निकला, ये बड़ा बुद्धिमान निकली है। इसका मतलब है अगर भगवान की अगर हम भक्ति मांग लेना ठाकुर जी के पास में, ठाकुर जी की सेवा मांग लेना, अगर भगवान स्वयं अगर हमारे प्रेम में वशीभूत हो गए फिर तो सारा दुनिया का मालिक आप ही बन जाओगे। इसलिए कहते हैं भागवत नहीं ये कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष है, बैठ करके ऐसे एक चीज मांग लो ठाकुर से जो हमें सारी चीज मिल जाए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। यदि जो भागवत ये कल्प वृक्ष का, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये फल है, हाँ ये तो पका हुआ फल है। बोले भैया ये फल को बोले सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम, एक तो मीठा फल है, फिर उसको सुख पक्षी ने तोता ने उसको चोंच मारी। एक कहावत है अगर किसी फल में तोता ने अगर चोंच मार दिया ना उसमें ज्यादा मिठास आ जाती है, मतलब पहले तो मीठा था ही लेकिन जब श्री सुखदेव गोस्वामी का मुंह से निकले और भी मिठास आ गया, उसमें और भी मिठास आ गया। बोले भैया इसको पी, बता क्या करो इसको पियो। अब से एक प्रश्न करता हूँ, उत्तर देना। आप बताओ फल को हम पीते ना फल को खाते हैं? खाते। जोर से बोलो खाते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं पियो। बोले पिए कैसे? बोले ये ऐसे जो फल है हर फल में गुठली और छिलका होता है, लेकिन इसमें गुठली छिलका है ही नहीं, इसमें कोई गुठली छिलका है ही नहीं, इसलिए क्या करो पियो। आप बताओ जब कोई चीज को पीते हैं हम किधर से पीते हैं?
बोल नहीं पा रहे। जब कोई चीज को पीते हैं किधर से पीते हो? मुख से। जोर से बोलो, मुख से, मुंह से। लेकिन अभी जिस रस को पी रहे हो किधर से पी रहे हो? कान से। कानों से। बोले ये ऐसे के रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती, किधर से पी जाती है? कानों से। देखो मुंह और कानों में पीने का क्या फर्क है। कोई भी चीज अगर मुंह से पियोगे आप अंदर में रख नहीं सकते हो, वो नीचे निकलेगा ही, आप रख ही नहीं सकते हो। लेकिन कोई चीज को जब कानों में पियोगे ना तो कभी निकलेगा नहीं। इसलिए कहते हैं जो भागवत रस को मुंह से मत पिया करो, किधर से पियो? कानों से पियो। देखो आपको एक क्वेश्चन करूंगा, देखूंगा इसका कौन मेरे को उत्तर दे पाएगा, जो देगा ना उसको मैं इनाम दूंगा। ध्यान देकर सुनो। कहते भैया हम तो पीते तो है लेकिन सब निकल जाती है, वो अंदर में टिकती नहीं, वो सब निकल जाती है। उदाहरण दिया, आपसे प्रश्न कर रहा हूँ उत्तर देना। जैसे एक मटकी है, मटकी में छेद ही छेद है, मटकी में छेद ही छेद है। जब उसमें पानी डालोगे फिर पानी क्या होगा? निकल जाएगा। आप बताओ ऐसे कौन सा उपाय है इतने छेद क्यों नहीं हो, अगर पानी डालोगे ना एक बूंद भी नहीं निकलेगा। कौन बोलेगा? हाथ उठा, माता जी बोलो। हाँ ये भैया के लिए ताली बजा बोल से। देखो ये चीज को समझो, अगर ये मटकी को अगर आप पानी में डूबो करके रख लोगे ना, अगर उसमें जितना छेद क्यों नहीं हो फिर पानी निकलेगी? बोलो पानी निकलेगी। क्यों? ऑलरेडी वो मटकी पानी में डूबा हुआ हो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते यद्यपि हमारे अंदर में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, हमारे अंदर में सारी चीज है, लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है ये सब कुछ रहते हुए भी लेकिन ये पानी एक बूंद भी नहीं निकलेगा। उपाय क्या है? बोले मुहु रहो रसिका भूमि भागुका। ये कथा रूपी गंगा में अगर गोता लगाते रहोगे ना, अगर कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाते रहोगे, डूबा रहोगे, भले ही तुम्हारे हृदय में जितने काम क्रोध क्यों नहीं हो, एक बूंद भी निकलने वाले नहीं। ये काम क्रोध तुम्हारी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। देखो जैसे हम कथा में बैठे हैं, हम सभी के हृदय में काम क्रोध है, लेकिन आपको कोई काम सता नहीं किया, आपका कोई क्रोध सता रहे हैं, कोई लोभ आपको क्या सता रहे, कुछ भी कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। क्यों? कथा रूपी गंगा में आप डूबा हुआ है। ओ, लेकिन केवल एक गेट से निकलो, केवल एक कथा से निकलो, क्रोध लोभ मोह ये सब आकर सर पर बैठना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाते रहोगे ना, ये तुम्हारी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते भैया हर समय ये कथा रूपी गंगा में डूबे रहो, डूबे रहोगे ना फिर तुम्हारे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बोले भैया कथा को कौन सुन सकते हैं? बोले कथा को केवल दो व्यक्ति ही कथा सुन सकते हैं। कितने लोग सुन सकते हैं? बोले ये दो दो कौन है? बोले एक रसिक है और एक भावुक है। हाँ? जो रसिक और तो भावुक, केवल ये दो व्यक्ति ही कथा सुन सकते हैं। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते हैं बोले अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि स्नान कर सकते हैं। इसलिए जो लोग कथा सुन रहे हो समझो आप लोगों को ऊपर में ठाकुर जी की विशेष कृपा है, तभी ये कथा रूपी गंगा में आप गोता लगा रहे हो। श्रीमद् भागवत कथा अमृतम् की जय, जय श्री नारायण। एक भजन
सुन लो फिर आगे कथा सुन लो। तो बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, बूटी प्रभु के नाम की सबको पिला के पी।
अतिशय सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। अभी ये कलयुग आने पर ये सौनक आदि ऋषि और ये कली से डरे के पास में गए, बोले ये कलयुग से हम बचे कैसे। बोले कोई चिंता मत करो, मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहाँ गिरेगा समझना वही पवित्र स्थान, वही बैठ करके भजन करोगे, पर ये कलयुग आपको व्याप्त नहीं करेगा। वो चक्र जा करके गिरा नैमी सारे में। अब लोग कोई गए हो नैमी सारे में? कौन कौन गए हो नैमी सारे में? 1, 2, 3, 4, 5। इसलिए वहां पर जो वो चक्र गिरा वहां पर श्री पति बाबन श्री गंगा माता जी बह रहे हैं। बड़ा वहीं पर ये सौनकाद ऋषि होने हजार सालों से वहां तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ करते करते उनका मुंह तक भी जल गया, हृदय तक भी जल गई, लेकिन मन में उनको शांति नहीं मिलता। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुत गोस्वामी जब आए तो उन्हें बड़े प्रसन्न हो गए। यदि सुत गोस्वामी हुए ही जब श्री सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे 88,000 ऋषियों को, ये सबसे पीछे बैठते। और सूत मतलब होता है छोटे जाति के लोग, जो व्यक्ति रथ को चलाते हैं उनको सूत कहते हैं। जब ये भगवत इच्छा से वहां पर आए सौनकाद ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, बोले आज हमारा तो भाग्य जग गया है। बोले क्यों? आज संतों का दर्शन मिला है। तो उन्होंने उनको आसन दे करके बैठाए, बोले हे सूत गोस्वामी, आपका गुरु जी की कृपा से जितने वेद पुराण इतिहास सारे ग्रंथों को आपने अध्ययन किया है। किसकी कृपा से अध्ययन किया? बोले गुरु जी की कृपा से ही आपने अध्ययन किया। यहाँ शिक्षा देते हैं ये जो ब्रह्म विद्या, ये जो भागवती विद्या है, ये गुरुमुख विद्या है। अगर कोई सोचे अरे कोई गुरुकुल की कोई जरूरत नहीं, हम तो अपने यहाँ पढ़ लेंगे ग्रंथों को। हम क्या अनपढ़ हैं? हमने PhD कर रखा संस्कृत में, हमने आचार्य कर रखा, इसलिए हम तो अपने आप पढ़ लेंगे? कभी नहीं। ये शास्त्र अपने आप पढ़ने का ग्रंथ नहीं। इस जगत में देखो जैसे बच्चे पढ़ते हैं, भले उसको पास में पुस्तक क्यों नहीं हो, लेकिन किसी एक्सपर्ट किसी टीचर की जरूरत पड़ता है। बगैर टीचर के बच्चा अपने आप पढ़ लेता है क्या ग्रंथ? कोई पुस्तक पढ़ लेता है। जब साधारण जड़ विद्या को नहीं पढ़ सकते हैं, ये तो ब्रह्म विद्या है, ये भगवत विद्या है। हैं? वहां पर केवल अक्षर दिया गया लेकिन उसका कोई टोन नहीं है, शब्द कैसे बदलना है। जैसे वहां पर केवल अक्षर शब्द दिया गया, जैसे मैंने कहा आप कहां गए थे, आप कहां गए थे, इसका मतलब मेरे को पता नहीं आप कहां गए थे, लेकिन यही शब्द जब घुमा करके बोले ना आप कहां गए थे, इसका मतलब क्या हो गया? आप जहां गए थे आपको जाना उचित नहीं था, लेकिन वही शब्द को आप कहां गए थे, इसका मतलब क्या है? आप कहां भी गए थे ना हमें पता है। देखो एक ही वार्ड है लेकिन ये टोन बदलने पर उसका अर्थ अपने आप अलग हो जाती है। कहते ग्रंथ में ना वो एक ही शब्द है, जैसे भगवत गीता इतने टीका, देखो वो इतने टीका 100-100 टीका है। बोले भैया शब्द तो एक ही है, इतना टीका कैसे हो गया, इतना मिनी कैसे निकल गया? कहते वहां केवल शब्द लिखा हुआ है लेकिन उसका टोन कुछ भी नहीं है, टोन नहीं। इसलिए कहते केवल गुरु जी की कृपा से ही ये शास्त्र ग्रंथों को हम अध्ययन कर सकते हैं। बताओ ये घोर कलयुग है, अरे कलयुग में प्राय करके लोगों का आयु बहुत कम है। कहते सत्ययुग में कितना साल लोग रहते थे? बोले 1,00,000 साल। कितना साल रहते थे? कितना साल रहते थे? अब हिरण्यकश्यप का नाम सुने होंगे, वाल्मीकि का। इन्होंने इतने तपस्या की, हजार साल तक तपस्या की, हजार साल। बोले क्यों? बोले जिंदा ही रहते थे 1,00,000 साल तक, लेकिन त्रेता युग आ गया। अभी 1,00,000 से 1,00,000 हटा दो कितना हो जाएगा बताओ? हो गया 10,000 त्रेता युग में। फिर द्वापर युग आ गया, फिर 1,000 से 1,00,000 हटा दो कितना होगा? 1,000। अभी कलयुग आ गया, 1,000 से 1,00,000 हटा दो कितना होगा बोलो? 100। जब घोर कलयुग आएगा 100 से 1,00,000 हटा दो कितना रहेगा? 10।
ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, जब घोर कलयुग आएगा धीरे 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 लोगों का परमाय घटते जाएगी। क्यों? आपको कोई प्योर चीज मिलेगी दिखाने के लिए, सब हाइब्रिड दे करके मिलेगी। पहले लोगों को देखो, पहले लोग कितने लंबे चौड़े होते थे, क्योंकि सब प्योर चीज मिलती थी। अभी तो हमारे कोई प्रभु बोलते थे, अभी कुछ दिन बाद पानी पीने को नहीं मिलेगी, बोलते कोई गोलाकार कोई चीज मिले उसको ही खा लोगे, वही पानी का काम करेगा, खाना नहीं मिलेगी। हर जगह में प्रदूषण, सारी जगह पर कुहरा कुहरा रहते हैं, कुहरा नहीं ये प्रदूषण है सबके सब। धीरे 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 सही चीज आपको मिलेगी नहीं, फिर धीरे धीरे आपका परमा घटते जाएगी धीरे धीरे, ये घोर कलयुग में। और कलयुग में प्राय करके कलयुग में ये कलयुग है जहाँ कला लड़ाई झगड़ा होगी घर घर में देश देश में। फिर कलयुग में बोले मंदा सुमंद मत, कलयुग का जो मन है बड़ा मंद बुद्धि है। बोले क्यों? बोले पहले ये इंटरनेट नहीं होता था, ये स्मार्टफोन नहीं होता था, हैं? ये टीवी नहीं होती थी। पहले तो एक चाल में था, अभी सारा दुनिया की चाल में आ गया उसमें, हैं? बिना कारण के सारा दुनिया चीज बैठी बैठी करके। पहले समय रहता था ना, लोग सत्संग में जाते थे, गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे। फिर बच्चे लोग ये स्मार्टफोन से जो कुछ इच्छा स्मार्टफोन करके उल्टा पुल्टा चीज देख लो। और इंटरनेट में तो उन्होंने कंप्यूटर में क्या करते हैं, उसमें शादी करके उसमें ही डाइवोर्स कर देते हैं, उसमें शादी करके उसमें ही डाइवोर्स। बोले ये कलयुग आने पर लोगों का जो बुद्धि है ना विकृत होते जाएगी। पहले लोग ब्रह्मचर्य पालन करते थे, बोले क्यों? 25 साल तक गंदी चीज होती नहीं थी देखने को, नहीं होने का कारण मन शुद्ध रहता था, शुद्ध मन में ब्रह्मचर्य पालन करते थे। अभी 13 साल लड़की की बच्ची हो रही, बच्चा हो रहा है, इसलिए घोर कलयुग आने पर धीरे धीरे लोगों का जो मन है वो विकृति होती जाएगी धीरे धीरे। और कलयुग में बोले मंदा सुमंद मत, वो मंद भाग्य छुप दुर्गा। कलयुग में भक्ति में बड़ा बाधा है। अगर पत्नी अगर सत्संग में आए, हैं सत्संग में आकर के अगर थोड़ी सी भक्ति की रंग चढ़ जाए, गीता तिलक कंठी लगा ले, पति बोले कौन सा बाबा जी चक्कर में पड़ गई, हाँ पहले बोलती थी हाँ ले चलो सिनेमा घुमाने के लिए, अभी जब समय हो सत्संग में जाओ गीता रामायण पढ़ने लग जाती है। अगर पति अगर सत्संग में आए, अगर थोड़ी सी रंग चढ़े गीता भागवत पढ़े, पत्नी क्या बोलेगी? बोले कोई काम धाम नहीं, जब देखो गीता रामायण लेकर बैठ जाते हैं। अगर बच्चा अगर सत्संग में जाए थोड़ी सी भक्ति करना शुरू कर दे, बोले ये कोई उम्र है तेरे भजन करने का, अभी से तो क्या लगाना शुरू कर दिया, लेकिन सिगरेट फूके शराब पिए अरे ये तो वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन बोले कलयुग में इतने उपद्रव भक्ति में, इसलिए आप कृपा करके बताओ फिर जीव का कल्याण कैसे होगा। इसलिए सुतो गोस्वामी स्वर्ण कादृशियों को 6 प्रश्न किया, अरे जो भागवत है ना 6 प्रश्न, वो 6 प्रश्न किया, आज मैं बताऊंगा और कल मैं सुनूंगा, ठीक है? कौन मेरे को बोल भाई, हाथ उठाओ, कोई हाथ नहीं उठा रहे। आज मैं 6 प्रश्न किया, क्या मैं बताऊंगा और कल आपसे मैं सुनूंगा, ठीक है? इसलिए मन लगा कर सुनो। इसका जो पहला प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिले? ये जो प्रश्न है ना, ये करोड़ रुपया के प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? अब देखना, हम जीवन में जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हो? शांति के लिए, है ना, सुख के लिए। लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में एक चीज देख लेना, क्या चीज है? सामने कोई एक समस्या, हम कोशिश करते हैं अगर एक समस्या हल हो जाए ना भैया हमें चैन मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में देखना, एक समस्या तो तुम्हारी दूर हो ही नहीं, दूसरी समस्या आ जाती है। फिर सोचते हैं भैया दूसरी समस्या खत्म हो जाए ना शांति मिलेगी। आप देखना दूसरे समस्या तो हल हुई नहीं, जैसे एक हाथी फंस जाती है ना मकोड़े जाल बनाते बनाते खुद जैसे उसमें फंस जाते हैं, हम भी ऐसे ही एक समस्या दूर हो जाए दूसरे समस्या करते 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 अंतिम सब तक कोई समस्या ही दूर नहीं होता है, हैं? इसलिए इसका पहला प्रश्न है ये समस्या दूर कैसे हो और ये आत्मा को शांति कैसे मिले, ठीक है? याद रहेगा कि नहीं? दूसरी प्रश्न है, ये कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है? देखो एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न जुड़ी हुई है। दूसरा प्रश्न क्या है, कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन क्या है? क्योंकि जब तक हमें प्रभु नहीं मिलते हैं, ठाकुर जी
जो कुछ कर रहे हो ना शांति मिलने वाली नहीं है। लेकिन हमारे मन में एक धारणा है, क्या धारणा जानते हो, शायद ज्यादा पैसा कमा लेंगे ना हम तो सुखी हो जाएंगे। यही लोग समझते हैं ना, अगर ज्यादा पैसा कमा लेंगे सुखी हो जाएंगे। आप लोग अभी रावण का नाम सुने हो, कौन आप बता सकते हो उसका लंका क्या था? सोने की लंका थी ना, किसी की लंका थी? हमारे पास में कितना सोना होगा बताओ, 10 किलो? कितना सोना है, 20 किलो? 50 किलो? 100 किलो? नहीं होगा ना। लेकिन रावण का पूरा लंका ही सोना, उसका बेडरूम सोना, डाइनिंग रूम सोना, किचन रूम सोना, सोना ही सोना की लंका की सोना, लंका सोने की लंका जिसको पास में। फिर हम क्या सोचते हैं, अगर इस अच्छी छोरी से शादी हो जाएगा सुखी हो जाएगी। रावण का पत्नी का नाम क्या था, कौन बताएगा? भादुरी। आपको पता है ये मंदोदरी मतलब क्या होता है? ये मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब कमर, जिसकी कमर बहुत ही पतली थी। वो विश्वकर्मा की बेटी थी। विश्वकर्मा ने जितने सारे अच्छे अच्छे गुण को देखकर अपना बेटी बनाई थी। आप लोग रामायण सुने होंगे, जिस समय हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए गए, माँ सीता कहाँ पर? सीता मंदोदरी को देखकर भ्रमित हो गई, बोले यही तो सीता दी नहीं, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, इसलिए उसको पत्नी का नाम थी मंदोदरी, अपूर्व सुंदरी, मिस यूनिवर्स होती समय, इतने सुंदर थी। और उसका बेटा का नाम क्या था? मेघनाथ, इंद्रजीत, कितना बलवान था, वो देखते होंगे, हैं? इंद्र को जिसने परास्त कर दिया, इतने सुंदर बेटा। लेकिन सब कुछ होते हुए भी, लेकिन वो चैन से नहीं जी रहा था रावण। हनुमान जी को आप लोग रामायण देखो, जब हनुमान को देखा काल को पीठ को फिर तैयार रखकर बैठा हुआ, देखा उसको पिता पिता उसको घर में झाड़ू लगा रहे हैं, अग्नि को देखा उसको घर में कपड़ा धुलाई कर रहा था, जिस देवता को हम पूजा करते हैं, जिन ग्रहों को पूजा करते थे सबको बांध कर रखा था, उसकी वैभव देख करके हनुमान आश्चर्य हो रहा था, क्या उसकी वैभव है, ब्रह्मा वेद सुना रहे थे, इतने पराक्रमी थे रावण, इतने पराक्रमी थे रावण, उसके जैसे पराक्रमी देखना, तब भी ये सब रहते हुए ना वहां पर बेचैन से जी रहा था, वो चैन से नहीं जी रहा था। लेकिन लंका में केवल एक व्यक्ति वो चैन से जी रहा था। आप लोग बता सकते हो एक व्यक्ति कौन था लंका में? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो विभीषण केवल चैन से जीता रहा था, बोले कारण क्या? कारण है वो भगवान की भक्ति करता था, वो राम की भक्ति करता था, इसलिए वो चैन से बैठा था। लेकिन उस पूरा के लंका के लोग सबके सब बेचैन थे, और हनुमान तो लंका स्वयं जला करके राख लगा दिया। हनुमान लंका क्या राख करके जला राख कर दिया ना। अब लोग इस प्रश्न करता हूँ, जिसका सोने की लंका है, लंका के जो सोने में कभी आग लगती है बताओ? आप बताओ सोने में कभी आग लगेगी? सोने में जितने आग लगेगी ना, जितना सोने उतना चमकेगा, सोना उतना चमकेगा। लेकिन फिर हनुमान जी सोने में आग कैसे लगाए? यहाँ शिक्षा देती है, भैया अगर तुम्हारी सोने की संसार क्यों नहीं हो तुम्हारी, अगर तुम राम से विमुख हो, भगवान राम से तुम विमुख हो, भैया वो जल करके राख बन जाएगी। लेकिन केवल एक विभीषण का घर को उन्होंने छोड़ दिया, क्यों? वो प्रभु राम के समय में था। हनुमान जी स्वयं शंकर है, रुद्र है। शिक्षा देते हैं, भैया जो प्रभु की शरण में जाएगा ना, ठाकुर जी की भक्ति करेगा, उसकी संसार केवल बचा हुआ रहेगा। अब जो भक्ति नहीं करेगा ना, वो तुम्हारी सोने की संसार क्यों नहीं हो, वो जल करके राख बन जाएगी। इसलिए क्या करो, भगवान की शरण में जाओ, ठाकुर जी की भक्ति करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण सबके सब बोलो। देखो जो मैंने पहले बताया ना, हरे मतलब सारे दुखों का जो हर ले, कृष्ण मतलब चंचल मन को जो शांत कर दे और आनंद दे, राम मतलब आराम दे। ये नाम को जो करेगा ना, देखना आपको संसार में शांति सुख रहेगी, घर में आप खुशियाली बनी रहेगी। इसलिए जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार फिर बोलो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
तीसरा प्रश्न है, हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ, हैं ठाकुर जी हमें कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न है, केवल कृष्ण कथा नहीं भगवान की कथा अनंत, इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। कभी भगवान राम बन करके आए रावण को मारे, कभी नरसिंह रूप में प्रहलाद को रक्षा किया, कभी उन्होंने बरहा रूप में पृथ्वी को रक्षा की, कभी मत्स्य अवतार में उन्होंने वेद को उद्धार की, वामन अवतार में बलि महाराज को कृपा की। हमें कृष्ण और कृष्ण के साथ में जितने भगवान की अवतार सब अवतार की कथा सुनाओ। इनकी चौथा प्रश्न है, भगवान कृष्ण की जो अद्भुत पराक्रम है, कृष्ण कैसे जब 6 दिन के थे उतना को मार दिया, कृष्ण जब 7 साल से गिरिराज गोवर्धन उठा दिया, कृष्ण जब रास की 100 करोड़ गोपियों के साथ में, हर गोपियां देख रहे थे कृष्ण हमारे पास में, इसलिए महिमा हमने सुना। और छठवां प्रश्न है, जब भगवान ये दुनिया छोड़ करके चले गए, कलयुग में धर्म कहाँ पर आश्रय लिया, आप कृपा करके हमें ये सारे प्रश्न का उत्तर दो। ये प्रश्न सुनकर के सुत गोस्वामी इनके रोम रोम खिल उठा, बोले वाह कितना सुंदर तुमने प्रश्न किए, जिसकी उत्तर रूप में कोई दुनियादारी की कोई चर्चा नहीं, जिसमें केवल ठाकुर की चर्चा है, भगवान की चर्चा है, और प्रभु की चर्चा में बड़े शांति बड़ा आनंद मिलता है, प्रभु की चर्चा में बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बोले पहले मैं अपना गुरु जी को मैं प्रणाम कर लेता हूँ, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। बोले बंदा गुरु पाद पादो मा परागा, बंदा गुरु पाद पादो मा परागा, बंदा गुरु पाद पादो मा परागा, बंदा गुरु पाद पादो मा Hare Krishna Hare Krishna
लाख लाख पाऊं बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद देव। अगर ठाकुर जी अगर गुरु जी चरण में प्रणाम करनी चाहिए पहले गुरु जी के चरण में, क्योंकि जब तक गुरु जी की कृपा नहीं हो तब तक ठाकुर की कृपा नहीं होती है। बोले भैया मेरे गुरुदेव कौन है? बोले मेरे गुरुदेव साधारण नहीं, मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी। साधारण बच्चा माँ के पेट में 9 महीना रहता है, लेकिन मेरे गुरुदेव तो 16 साल तक रहे। वो पेट से निकलना नहीं चाह रहे थे। आप लोगों ने कौन कौन गर्भ में बच्चे को धारण किए हो, कौन कौन माता है, 9 महीना रहता है ना, आप लोगों को पता होगा कितना कठिन होता है। अगर किसी माँ के पेट में बच्चा 16 साल तक रह जाए तो आप सोचो क्या होगा आपके। इसलिए एक दिन श्री व्यास देव आ करके बोले भैया तू है कौन, मैया कितना क्यों कष्ट दे रहे हो, भैया निकल कर आ जा। अंदर में आवाज आई, बोले पिताजी मैं बाहर जाने नहीं चाहता हूँ। बोले क्यों, कारण क्या? बोले कारण है ये जो संसार बड़े माया है, ये मातृगर्भ में जो बच्चा होता है ये भगवान खुद कहते हैं अपना माँ को। बोले माँ पेट जब 7 महीना बच्चा का हो जाए बच्चे को ज्ञान आ जाता है, उसकी हजार हजार जन्मों की बात याद आता है, पहले जन्म में मैंने क्या क्या कर्म किया, वो कर्म का फल कैसे मैं भोग रहा हूँ, अकेला भोग रहा हूँ, वो मेरे पति कहाँ, मेरी पत्नी कहाँ, मेरे बच्चे कहाँ, सबके सब सुख का समय में सबके सब थे, अभी दुख में कोई मेरे पास में है नहीं, उसको हजार जन्म की बात याद आता है। ठाकुर जी को बोलता है ठाकुर जी मेरे को ये पैर से जल्दी जल्दी निकाल दो, तू क्या करो। बोले मेरे को सारी बात याद आ गया, संसार में कोई दिशा नहीं, ये संसार झूठा संसार, ये केवल मतलब का संसार, स्वार्थ का संसार है। सबके सब सुख का समय थे, दुख में तो वही है कि माँ पेट में टाटी पेशाब, इसी में मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ, टांग ऊंचा सर नीचा करके, हाँ कीड़े भी काटते हैं कभी कभी, और माँ के पेट में इतनी गर्मी ना, आज अगर रसगुल्ला खाओ कल गुस्टा बनकर निकल जाती है, मतलब पेट में इतनी गर्मी है, बड़ा कष्ट बच्चा को होता है। इसलिए प्रभु मेरे को जल्दी जल्दी निकालो। बोले निकाल दोगे तो पढ़ो क्या? बोले प्रभु मैं कान पकड़ता हूँ, कभी भी ये झूठे संसार में मैं नहीं फंसूंगा, इस बार जन्म दे दोगे ना उठते बैठते सोते तेरे नाम लूंगा, और नाम लेकर के संसार से मैं पार हो जाऊंगा, संसार से मैं पार हो जाऊंगा। ठाकुर जी बोले क्या सही सही बता रहे हो, ना दुख पा रहे हो बता रहे हो। बोले प्रभु जी मैं कसम खा करके बोल रहा हूँ, एक बार हमें ये मानव जन्म दे दो, केवल उठते बैठते तेरे सोते तेरा नाम जप करूंगा। भगवान ने कहा देखो अगर तुम मेरे को भूल जाओगे ना बीच बीच में मैं तेरे को वार्निंग भी दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे? बोले एक बाल जो पक जाए ना समझना मेरे फर्स्ट वार्निंग है। बाल पकना मतलब क्या? वृद्ध हो गया, ऊपर जाने का समय आ गया है। लेकिन देखना जब हमारा बाल पक जाते हैं हम क्या करते हैं, अगर शीशा में देख लिया उसको उखाड़ देते हैं। बोले इतने जल्दी जल्दी हमें बूढ़ा बूढ़ी बना रहे, हमारा कुछ नहीं हुआ। अगर 2 बाल पक गया उखाड़ देंगे, 3 उखाड़ देंगे, अगर खिचड़ी बन गया तो फिर मेहंदी लगा देते हैं, फिर कलर करते हैं। बोले थोड़ी हम बूढ़ा बूढ़ी हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ है। भगवान कहते फिर दूसरा बार नहीं दूंगा। बोले क्या दोगे? फिर आंखों में कमजोरी आ जाएगा, फिर हम चश्मा पहन लेते हैं। फिर बोले तीसरा बार नहीं दूंगा। बोले क्या करोगे? बोले एक एक दांत तोड़ना शुरू कर दूंगा। बोले दांत तोड़ने पर क्या होगा? फिर डेंटिस्ट के पास में जा करके फिर नया दांत लगा कर खिड़खिला कर हंसते हैं। बोले हमारे कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते मेरे चौथा हुआ आदमी की दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले 2 प्यार ना सिर्फ 3 प्यार हो जाएंगे, फिर डंडा पकड़ना शुरू करोगे, हाँ 3 प्यार हो जाओगे, फिर तेरे को मैं फिफ्थ हुआ आदमी की दूंगा ही नहीं। फिर क्या करोगे? बोले राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है। देखो ये एक एक वार्निंग है हमारी, ठीक है ना। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं भैया समय रहते भगवान की भक्ति कर लो, समय रहते क्या करो भगवान की भजन कर लो। हम सबके सब मातृगर्भ में यही कसम खा करके आए थे, एक बार हमें मानव शरीर दो फिर भजन करेंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटो न लगे कपास। भजन के लिए तो आए थे, लेकिन आकर के हमने क्या किया? जो काम करने के लिए आए थे उसको तो पीछे रख लिया, और जो नहीं करने के लिए आए थे उसमें लग गया। अगर इसको बोले भैया एक माला जप कर लो, एक ठाकुर का माला जप कर लो, बोले समय का है। लेकिन मातृगर्भ में क्या बोल कर क्या कि तेरे भजन करूंगा तेरे नाम जप करूंगा। बोले एक माला जप कर लो, भजन 10 मिनट दो, बोले समय का है भजन करने के लिए।
लेकिन टीवी देखने के लिए ना तीन तीन घंटा कोई सीरियल आ गई तो आज तीन तीन घंटा वहां पर बैठ बैठ के समय बिता देते। लेकिन भगवान कहते बोले माँ अगर ये जीवन पागल भजन नहीं करेगा ना फिर तो ये मानव शरीर ठाकुर जी फिर दोबारा नहीं देते हैं, फिर तो उसको 84 लाख में जन्म जाना पड़ता है। इसलिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। फिर व्यास देव बोले चिंता मत करो मैं माया को हटा देता हूँ। बोले आप नहीं हटा सकते। बोले कौन हटा सकता है? बोले श्री कृष्णा स्वयं मायापति ये माया को वही हटा सकते हैं। जब उन्होंने माया को हटाए श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते हैं। बोले श्री सुखदेव महाराज की बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय जय श्री राधे। इसलिए उन्होंने श्री अपना गुरु जी सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करके फिर उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया है। आप लोग बताओ 6 प्रश्न का पहला प्रश्न क्या था? हाँ बढ़िया आपने बताया। आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? देखो इसका उत्तर श्री सुत गोस्वामी एक श्लोक में उसका उत्तर देते हैं। बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रघुश्चरे आहाय तुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्धति। बोले आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब ये आत्मा परमात्मा की शरण में जाएगा। ठाकुर जी की शरण में जाएगा तभी ये आत्मा को परम शांति मिलेगी। क्योंकि जो जीव है जो जीव और ईश्वर का ही अंश है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन है कि जो जीव है ममे बांस जीव लोक जीव भूत सनातन। जगत में जितने जीव सब मेरे बच्चे हैं, हम सबके सब ठाकुर की औलाद है। लेकिन अभी दुख करना पड़े क्यों भोग करना पड़ता है? कारण है हमने ठाकुर जी को भूल गए। ठाकुर जी को हमने भूल गए इसलिए उनकी बहिरंगा शक्ति माया के संसार में हमें डाल दिया। अगर ये चीज को हम समझ करके अगर ठाकुर जी की शरण में चले जाए फिर हमारे सारे दुख हमारी दूर हो जाएगी। देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, अब ध्यान देकर सुनो अच्छे तरह से। बोले एक समय कोई एक राजा था, राजा का एक औलाद था। अभी उसने कहीं कुछ गड़बड़ किया तो राजा ने उसको डांट दिया। जो डांट दिया उसको बड़ा अभिमान आ गया। बोले पिता ने मेरे को डांट लगाई। उसने क्या किया? पिताजी को उसने त्याग दे दिया। त्याग दे करके अभी कहाँ जाएगा? वो राजमहल में पहले रहता था, सारे राज ऐश्वर्य को भोग करता था। अभी पिताजी डांट दिए तो उसने दुखी होकर चला गया। बोले क्या कर रहा है? बोले चाय की दुकान में काम कर रहा है, झूठा प्लेट वो धो रहा है। अभी राजा तो बड़ा दुखी। एक बेटा था जो भविष्य में राज सिंहासन में बैठने वाला। अब राजा इतने दुखी। एक दिन उनके मंत्री ने देखा है राजा हर समय दुखी रहते हैं। मंत्री एक दिन पूछा, महाराज आप दुखी क्यों? कोई खुशी वाला नहीं, हंसी। एक ही बेटा था जो भविष्य में जो राज सिंहासन में बैठने वाला था, लेकिन कभी उसने कुछ गड़बड़ किया, मेरे साथ डांट लगा दी, उसने दुखी होकर घर छोड़कर चला गया। हम तो दुखी है, भविष्य में ये राज सिंहासन कौन संभालेगा? मंत्री ने कहा, कोई चिंता मत करो, मैं देखता हूँ तुम्हारे बेटा कहाँ पर है। उसने ढूंढते जा करके दूर में देखा, एक दिन वो चाय की दुकान में प्लेट धो रहा है। हे भगवान, कहाँ देश का राजा सारे ऐश्वर्य भोग करने वाले अभी चाय की दुकान में प्लेट धो रहा है। इतने में मंत्री ने जाकर उसने बताया नहीं मैं राजा का मंत्री हूँ। उसने जाकर उसका दोस्त बन गया। उसके साथ में काम करते करते एक दिन जब पूरा फ्रेंड हो गया, वो कभी किसको बोलता नहीं राजा का मैं बेटा हूँ। जब उसका एकदम घनिष्ठ मित्र बन गया ना, एक दिन उसने पूछा, भैया तू है कौन, कहाँ के रहने वाले, क्यों ये प्लेट क्यों दे रहे हो? जब देखा ये मेरे मित्र है, बोले देख मैं अमुक देश का मैं राजा था, मैं बेटा हूँ। बोले फिर यार तुम ये बर्तन क्यों धो रहे हो? बोले एक दिन पिताजी ने मेरे को डांट लगाया ना, मैंने अभिमान से मैंने अपना राज्य छोड़ दिया और ये चाय की दुकान में मैं काम कर रहा हूँ। जो बोले इतने में बोले तू फिर राज्य में क्यों वापस क्यों नहीं चले जाते? बोले मैं सोचता हूँ क्या पिता मेरे को दो बार अपना घर में रखेंगे, अब इसी दुख में नहीं जा पा रहा हूँ।
तो मंत्री ने कहा देखो वही राजा का मैं मंत्री हूँ, उसी राजा ने मेरे को भेजा है, मेरे बेटा कहाँ पर उसको ढूंढ करके ले आओ, इसलिए मैं तेरे को ढूंढने के लिए आया हूँ। बोले अगर मैं घर में जाऊंगा तो फिर मेरे को पिताजी स्वीकार करेंगे। बोले तू जितने दुखी है ना, तेरे से ज्यादा दुखी तेरे पिताजी है। पिता तो सोच रहे कब तू आ जा और सारी संपत्ति अपना बेटे को दे दे। बोले ठीक है। फिर उन्होंने वो बच्चे को ला करके श्री राजा के पास में सौंपा दिया। जब सौंपा दिया फिर तो एक दिन देश का राजा फिर तो ठाड़ बाड़ में रहने लग गया। देखो उसी तरह हम भी कौन है, ये जीव कौन है, ये वेद कहता है अमृतस्य पुत्र, हम भगवान के औलाद है, ठाकुर जी का औलाद है। लेकिन ठाकुर जी को हमने सेवा नहीं की। ठाकुर जी बोले देखो अगर तुम मेरी सेवा करोगे ना फिर सारे संपत्ति का मालिक बनोगे, अगर तुम माया को भोग करने के लिए जाओगे बड़े दुख दुख भोग करोगे। इसलिए हमने क्या की, ठाकुर को सेवा को हमने नहीं चुना, हमने भोग करने के लिए माया को चुना है। और माया ने क्या कि हमारे ऊपर में दो कपड़ा पहना दिया। ये चीज अच्छा तरह समझो, दो कपड़ा किया है। अब बता सकते हो दो कपड़े किया हमारे ऊपर में, कौन बोलेगा हाथ उठा, दो कपड़े क्या पहना है जो कि हम संपूर्ण भूल गए ठाकुर जी के हाथ में। कहते ये एक शरीर है जिसको बताए खेती जल पाप गगन संहिरा रचित ये अधम शरीर, ये एक शरीर है। दूसरा शरीर क्या है, एक है सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं मन बुद्धि अहंकार और चित्त। ये सूक्ष्म शरीर जो शरीर हमें दिख नहीं रहा है, हैं? अब जो शरीर दिख रहा है ये पंचभौतिक शरीर। यदि आत्मा ऊपर में उन्होंने ये दो उन्होंने क्या क्या कपड़ा उन्होंने पहना दिया, पहना कर तो उन्होंने माया में फेंके तो यहाँ आकर हम सबके सब भूल गए। अगर हमें पूछा जाए भैया तू कौन हो, हम क्या बोलेंगे, मेरा नाम ये है, ये मेरे पिता है, ये मेरे माता है, ये मेरे दुकान है, ये मकान है। लेकिन ये क्या हमारी असली परिचय क्या ये है, हमारी ये असली परिचय नहीं। जैसे कि इसको ऊपर भूत लग जाए ना, अब देखो भूत लगते हुए किसको देखे हो, देखना जिसको भूत लग जाती है वो अपना परिचय नहीं देता है, कहते मैं अंबु जगह में रहने वाला हूँ, अंबु पर गया था और वहां पर केस खोल करके जा रहा था इसलिए मैंने पकड़ लिया, उसको छोड़ूंगा नहीं, इसको लेकर नहीं जाऊंगा। वो भूत फिर बात करता है, वो असली उसको बात नहीं करता है। उसी तरह हमारे ऊपर ये भूत लगा हुआ है, ये माया की माया बोलते ना, माया माया मतलब क्या है, उसको वही चीज बोलना वही माया है। अभी संपूर्ण रूप में हम जो भगवान के नित्य दास है ठाकुर अभी माया की झूठा परिचय दे रहे हैं, अमुक की बेटा अमुक की बेटी अमुक की बहू अमुक की नाती अमुक की पोती, ये सब झूठ परिचय दे रहे हैं। लेकिन जब हम ये चीज को समझ जाएंगे, मंत्री कौन है जो ढूंढने के लिए आए, बोले ये सदगुरु, ये मंत्री कौन है, ये सदगुरु, ये सदगुरु आकर के हम समझाते भैया तू साधारण घर का औलाद नहीं हो, तुम तो ठाकुर जी के बच्चे हो। लेकिन ठाकुर जी को भूलने के नाते ये संसार में आकर के तुम ये दुख कष्ट भोग कर रहे हो, चलो पिताजी को पास में जाए, तेरे को हम अपना पिताजी को साथ में भेंट करा देंगे। फिर सदगुरु हमें क्या करते हैं, अपनी जो असली पिता जो ठाकुर जी को पास में ले जाते हैं। अभी वो ठाकुर को पास में कैसे जाएंगे, जो दूसरा प्रश्न थी क्या थी, कलयुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है, अगर ठाकुर को पास में कैसे जाएंगे। कहते उनको पास में जाने के लिए केवल एक उपाय ठाकुर जी कलयुग में सबसे सरल उपाय रखा, वो क्या है, बोले कलयुग के बलना मां आधारा, कलयुग के बलना मां आधारा, कलयुग के I'm
ठाकुर जी को पता कलयुग का जी कोई कष्ट का साधन कर ही नहीं सकता है, इसलिए बोले सबसे सरल उपाय है क्या करो, हाथों में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान के करो। हाथों में कहां और मुंह में जोर से बोलो नाम, हाथों में कहां और मुंह से वास। इतना सरल उपाय, ज्यादा परिश्रम ठाकुर जी नहीं रखे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले नाम नाम करी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल। भगवान कहते हैं देखो हरि कद नाम नाम कारी बहुधा, भगवान के अनंत नाम कृष्ण गोविंद श्याम सुंदर गोकुलानंद, कृष्ण का कितने सारे नाम है, ठाकुर की कितने सारे नाम है। कलयुग में कद सर्वशक्ति तत्रार्पिता, भगवान कलयुग में अपना नाम में उन्होंने सारे शक्ति उन्होंने नाम में दे दिए ना। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। जब केवल पवित्र हो ना तभी मेरे नाम है, जब अपवित्र हो नहीं, भगवान ये भी नहीं बताया। ठाकुर कहते कभी भी किसी समय में भी क्यों नहीं हो, ठाकुर का नाम तो तुम ले सकते हो। इसलिए जब अजामिल, हम आगे कथा सुनेंगे, ये अजामिल जब ठाकुर का नाम लिया है ना, वो बिस्तरा में लेटा हुआ था, बिस्तरा में लेटा हुआ था और उन्हें जमदूत को देख करके उसी समय उन्हें टाटी पेशाब कर दिया, मतलब वो अपवित्र अवस्था में था उस समय में। और उन्होंने जो भगवान को बुलाया, उसने भगवान को नहीं बुलाया, अपना बेटा का नाम उसने नारायण रख लिया था, उसने अपना बेटे को उन्होंने नारायण बोलकर बेटे को बुलाया। और किस अवस्था में, जैसे स्थिर अवस्था में हम ठाकुर का नाम लो ना, उस समय वो बुद्धि स्थिर नहीं था, बुद्धि विचलित डरा हुआ था, जमदूत पकड़ रहे हैं, वो चित्कार करते हुए नारायण, अपवित्र अवस्था में चित्कार करते हुए डरते हुए, और उन्होंने भगवान को नहीं अपना बेटे को उसने नारायण नाम से बुला। उसमें क्या हुआ, जो जमदूत आए थे विष्णुदूत आकर के उनको भगा दिया और उन्होंने बचा लिया उनको। अगर ठाकुर जी का जो नाम है किसी अवस्था में भी, पवित्र अपवित्र किसी अवस्था में भी ठाकुर जी का नाम हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं भैया कलयुग में मैंने इतने सरल मार्ग रख लिया, इतने सरल उपाय बताया, लेकिन तभी भी कलयुग का जीव ठाकुर का नाम नहीं ले रहे, तभी ठाकुर जी का नाम फिर कल्याण कैसे होगा, फिर जीव का फिर उद्धार कैसे होगा। इसलिए क्या करनी चाहिए, कलयुग में ठाकुर का नाम हर समय लिया करो, उठते बैठते सोते चलते क्या करो, भगवान का नाम को ग्रहण करो। बोले हरे कृष्ण देखो आप लोगों यही पर है ना, इसलिए आपको इतना नाम मैं करवा रहा हूँ बारंबार, क्योंकि कम से कम यहीं पर ठाकुर का नाम ले लो। और जब ऊपर जाओगे ना, बाहर जब कापी खुलेगा देखोगे सारे लिखा हुआ मिलेगा। आप लोगों ने कम्युनिटी हॉल में बैठ कर कितना बार हरि नाम किया, देखो ध्यान दे सुना, कहते जो व्यक्ति ठाकुर का नाम लेते हैं उसको तीन काम हो जाता है, कितना काम हो जाता है जोर से बोलो, क्या क्या आज मैं बताऊंगा कल हमसे सुनता है ठीक है। देखो ये हमारे संत नरक में जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, चित्रगुप्त का नाम सुने हो, ये चित्रगुप्त कौन है, ये हमारे सब लिखा जिखा को जो लिख रहा है, चित्रगुप्त मतलब क्या, गुप्त रूप में चित्र मतलब फटो। अगर कोई 10 मंजिल के ऊपर में चारों तरफ में दरवाजा बंद कर कुछ कर रहा है, कोई सोचेगा कोई देख नहीं रहा है, नहीं दिन में ये सूर्य का किरण सब जगह पर वो सारे फोटो ले रहा है सूर्य साथी। रात में कोई बोलेगा यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, बोले नहीं ये चंद्रमा साखी है, वो रात साखी है, 10 दिशाएं साखी है,
कहते तुम छुपा करके कुछ भी नहीं कर सकते हो। और अंतिम समय में ये निकलेगा सबके सब, ये सारे के सारे निकलेगा सबके सब हमारे कर्म के अनुरूप। देखना एक पिता है, उनका तीन बच्चा है, कितने बच्चे? एक पिता माता की तीन बच्चे। देखना एक बच्चा तो इतने होनहार, इतने लिखाई पढ़ाई में इतने बढ़िया चकाचक पैसा कमाता है, एक बेटा देखना एक मूर्ख है, कुछ काम धाम नहीं कर पाता है। देखोगे भैया एक पिता माता के तो तीन बच्चे एक बना होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग क्यों? हम अपना कर्म का फल लेकर के आए, पिता माता जन्म दिया, कर्म तुमने, पिता माता नहीं अपना कर्म लेकर के आए, सारे कर्म के हिसाब है, थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं होता है, है? देखना किसका पति बहुत अच्छे है, पत्नी बहुत अच्छी, फिर किसका पति अच्छे नहीं, किसका पत्नी अच्छी नहीं, किसका बच्चा इतने बढ़िया सवेरे उठते ही पिता माता के चरण छूता है, लेकिन किसका बच्चा इतने दुष्ट है बात नहीं सुनता है, ऐसे क्यों कारण किया? ऐसे कर्म की एकदम कर्म की थोड़ी सी इधर उधर चुक नहीं होता है, जैसे जैसे कर्म ऐसे बेटा ऐसे बेटी उतना पैसा उतना घर उतना मकान। देखो यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए, किसका चेहरा से किसका चेहरा मिलता है? ये हमारे भारत में कितने कोटि लोग हैं, कितना करोड़ लोग हैं बता, भारत में कितने करोड़ लोग हैं, कितना करोड़ लोग हैं? एक करोड़ कितना? 130 करोड़ है। अब देखो किसका चेहरा से किसका चेहरा मिलेगा? किसी के चेहरा में मिलेगा, क्यों? कर्म जैसे है उसका चेहरा ऐसे, स्वभाव भी किसको साथ में स्वभाव में नहीं मिला, क्यों? वो कर्म का हिसाब से ही स्वभाव है, इसलिए उसका नाम चित्रगुप्त। देखो ठाकुर का नाम ने कितने महिमा, ये चीज को समझो, जब कोई ठाकुर का नाम लेता है कहते ये नरक में चित्रगुप्त को जब महाराज बुलाते बोले चित्रगुप्त इधर आओ और रजिस्टर लेकर के आओ जिसमें हमारी लिखा जुखा है। बोले क्यों? बोले ये जो व्यक्ति इसका नाम यहाँ से काट दो, ये व्यक्ति को नाम यहाँ से काट दो। बोले क्यों काट दे? बोले ठाकुर का नाम जब कर रहा है ना अब ये कभी नरक में नहीं आएगा, कभी ये व्यक्ति नरक नहीं आएगा। दूसरा काम क्या होता है? कल हमको पूछना है तीन काम क्या होता है। दूसरा काम क्या होता है? बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती है बोले रजिस्टर ले आओ। बोले क्यों? बोले इसका नाम लिख दो यहाँ पर रजिस्टर में, इसका नाम लिख दो। बोले क्यों? बोले ये ठाकुर का नाम जब कर रहा है ना अभी सीधा गोलोक वृंदावन आएगा। कहाँ आएगा? ये गोलोक वृंदावन आएगा। बोले तीसरा काम क्या होता है? बोले ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी आरती का थाला तैयार करते हैं। बोले किस लिए? बोले वो ठाकुर का नाम जब कर रहा है ना अभी ये भूर भूव मोह जन तप सत्य लोक को पार करते हुए जब भगवान का धाम में जाएगा उसको रास्ता में ब्रह्म लोक में मैं उसको आरती उतारूंगा। वो व्यक्ति को मैं आरती उतारूंगा। इतने महिमा ठाकुर जी की नाम लेने में इतना महिमा, इसलिए क्या करनी चाहिए? सवेरे उठ करके माला लेकर के थोड़ी सी भगवान की नाम जप करनी चाहिए। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं बोले एतत् विद्यमानानां इच्छताम् अकूत भयम् योगिनाम् नृप निर्मित हरि नामानुकीर्तनम्। बोले भगवत नाम को कौन कौन ग्रहण करते हैं, कौन कौन ये हरि नाम को लेते हैं? कहते एतत् विद्यमानानां। आप लोग बोलोगे हम लोग संसार में फंसे हुए ना इसलिए से आप ठाकुर का नाम लेते? बोले नहीं, आप शंकर जी का नाम सुने हो? कौन शंकर जी का नाम सुने हो? आप लोग जानते हो गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते महामंत्र जई जपत महिषा शंकर भी पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर भी ठाकुर का नाम लेते हैं। हनुमान जी का नाम जानते हो? कौन कौन जानते हो? सब जानते हो। हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं? रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता, वो भी दिन भर नाम करते हैं। माता देवी का नाम सुने हो? उनका आठ हाथ देखना, एक हाथ में देखना माला है। इस गोस्वामी जी कहते रामचरितमानस में बोले सहस नाम सुनी प्रिय वाणी जपी जई संग प्रिय भवानी। शंकर जी कितना प्यारी, क्यों पार्वती? कारण है भगवान के नाम जप करती। गणेश जी का नाम सुने होंगे, सुने कि नहीं? गणेश जी की सबसे पहले पूजा क्यों होती है? गोस्वामी जी कहते हैं महिमा जासु जान गणरारु प्रथम पूजिय कर नाम प्रभाउ। इसलिए गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है। उन्होंने प्रभु का नाम को लेकर तीन बार परिक्रमा किया था और सारे देवता में मिट्टी की हुई थी। 33 करोड़ देवता में सबसे पहले पूजा किसकी हुई थी?
बल्कि उसकी पूजा पहले होगी जो ये विश्व ब्रह्मांड को पहले परिक्रमा करके आ जाए, सारे देवता चल पड़े। अभी गणेश जी कहाँ जाएंगे? गणेश जी का वाहन कौन है? कौन है? चूहा। अभी चूहे को लेकर कहाँ जाए? ब्रह्मा तो हंस वाहन में चले गए, कार्तिक मोर वाहन में, अभी गणेश जी कहाँ जाएंगे? इतने में नारद जी आ गए, क्या बात है? जैसे बोले एक काम करो, हरि से बड़ा हरि का नाम लिखो, ठाकुर का नाम लिखो, तीन बार परिक्रमा करो, तुम्हारी अनंत करोड़ों ब्रह्मांड की तीन तीन बार परिक्रमा हो गई। जब सारे देवताओं को बैठ कर मिट्टी किया ना, गणेश जी की जय जयकार हो गई। इसलिए गणेश जी का पूजा पहले गणेश जी की पूजा होती है। इसलिए कहते भैया ठाकुर का नाम कौन लेते हैं? बोले तीन तरह का व्यक्ति ठाकुर का नाम लेते हैं। कितने तरह का व्यक्ति? पहला नंबर किए गए बोले इतना माना नाम जो संपूर्ण से मुक्त हो गए, मुक्त महापुरुष लोग ठाकुर का नाम। बोले दूसरा व्यक्ति बोले अकूत भय, अकूत भय। अगर संसार में कोई सुख शांति में रहना चाहते हो, संसार में सुख शांति में अकूत भय मतलब निर्भय होकर के अगर कोई संसार में रहना चाहते हो क्या करो? एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। इसलिए कहते अगर जो ठाकुर का नाम लेगा ना, वही व्यक्ति संसार में अभय से सुख शांति पूर्वक रह सकते हैं। बोले तीसरा व्यक्ति कौन नाम लेता है? बोले जोगी नाम नृप निर्मित हरि नामान कीर्तनम। जितने ऋषि मुनि जितने शास्त्र सब के सब एक बात बताए, क्या ने? कलयुग में भगवत प्राप्ति का केवल एक उपाय ठाकुर जी की नाम जप करनी चाहिए। देखो एक समय जब ये रामायण ग्रंथ लिखा है ना श्री वाल्मीकि ने, इसमें 100,000 श्लोक था। अभी ये 100,000 श्लोक को लेकर देवता दैत्य और मानव में लड़ाई हुई। लड़ाई हुई तो बोले भैया लड़ाई करके लाभ नहीं, चलो जिसने लिखा उसको पास में चलो। बोले सबसे पहले रामायण किसने लिखा? बोले शंकर जी लिखे। बोले चलो भले बाबा के पास में। अभी देवता देखते हैं इंसान बैठ गए, बोले ये रामायण हमें मिलनी चाहिए, रामायण हमें मिलनी चाहिए। शंकर जी बोले भैया लड़ाई मत करो, मैं तीनों में बंटवारा करा देता हूँ। तब उन्होंने तीनों को बंटवाया। कितना लोग था इसमें? कितना श्लोक था? 100,000। 100,000 श्लोक उन्होंने 30,000 बंटवा दिया। अभी कितना लग जाएगी बोलो जोर से? 10,000। 10,000 को 3,000 दे दिया, कितना बच जाएगी? 1,000। 1,000 को 300 दे दिया, कितना ले जाएगी? 100। 100 को 30 दे दिया, कितना बचेगा? 10। 10 को 3 दे दिया, कितना ले जाएगी? श्लोक रही, एक श्लोक में चार चरण होता है। चार चरण समझते हो? जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की एक चरण, बंटवारा करवाया, 8 अक्षर को 2 2 2 दे दिया। अभी कितना अक्षर बच गई? 2। कहती है 2 क्या बच गई? बोले राम बा कृष्ण, राम बा कृष्ण। शंकर जी का भैया मैंने इतने परिश्रम किया, मेरे को तो कुछ मिलनी चाहिए ना, मेरे को मजदूरी किसी मिलनी चाहिए, मेरे को यही 2 अक्षर दे दो। इसलिए शंकर जी अपना कंठ में उन्होंने ये 2 अक्षर को धारण कर लिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मंत्र जय जपत कृष्ण व राम भगवान के नाम को जप करते हैं। काशी में जो शरीर छोड़ने जाते हैं, शंकर जी अंतिम समय में उनको कानों में प्रभु का नाम को देते हैं, उनको क्या करते हैं? उनको मुक्ति करा देते हैं। इसलिए यहाँ सुत गोस्वामी कहते हैं तीन व्यक्ति ये ठाकुर का नाम लेते हैं जो संसार में अभय मतलब निर्भय में रहना चाहते सुख शांति में, दूसरा व्यक्ति जो मुक्त महापुरुष, और तीसरा व्यक्ति कौन है? जितने सारे शास्त्र है सारे शास्त्र का जो निचोड़ है वो ठाकुर का नाम ही है। आप लोग तो भारतवासी है, हाँ देखो ये चीज को ध्यान से रखना, हम तो हिंदू है हम भारतवासी। आप देखना जिंदगी में जो कुछ करना तुम करो, जो कुछ करना कर लो, जब तुम्हारी शरीर छूटेगी
जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, बताओ तो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोला गत्य है, सब कोई वहां झूठा है, बोलते हैं ना। मतलब क्या बेटा, जिंदगी में जितने राम और कृष्ण का नाम लिया ना, तेरे साथ में वही जा रहा है। इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया तुम झूठे में बिताया। यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रही है। पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरवाजे तक चलेगी, परिवार चलेगा तो शमशान तक चलेगा, उसका आगे कोई चीज कुछ नहीं जाएगा। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल का दी मेरे सदा गुरु कृपा करे अपना। आप लोग इस भजन जानते हो, अंतिम समय में भगवान का नाम ही जाएगा। देखो हम यहाँ बैठ गए ना, 5 मिनट नाम जप करेंगे, ठीक है? 5 मिनट ठाकुर जी के नाम जप करेंगे। आप लोग मेरे तरफ में देखो, ध्यान देकर देखो। एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका निमंत्रण है। महाप्रभु एक शिक्षा देने के लिए बोले, देखो मैं सबके घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले आप किसको घर में भोजन करते हो? बोले जो लखपति बनेगा, जो मेरे तरफ में देखो, जो लखपति बनेगा उसको घर में खाना खाऊंगा। आज से 5.5-7 साल पहले लखपति मतलब है जिसको घर उसी समय जो रुपया होता था सोने की एक बोवर है, 5.5 साल पहले, मतलब जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर उसको घर में खाना खाऊंगा। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं है, इसका मतलब हमारे घर में भोजन नहीं करोगे। भगवान सबको बुलाया, बैठाया, बोले जानते हो असली लखपति को? बोले कौन? बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, जो रोजाना 1 लाख ठाकुर जी की नाम जप करते हैं। इसलिए मीरा कहती है ना, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम की हीरे मोती में जिन जिन यह मोती लोटे वो सब माला माल हो गए, आया के जो बने पुजारी आखिरी हो कामला हो गए। अब मेरे तरफ में देखो, ध्यान देखो, देखो अब लखपति कैसे बनोगे। कुछ दिन पहले टीवी में आता था अमिताभ बच्चन का नाम, जानते हो? कौन जानते हो अमिताभ बच्चन का नाम? सब जानते हो ना। उसमें टीवी में एक आता था, भैया करोड़पति कौन बनेगा, कौन बनेगा करोड़पति, आता था ना कौन बनेगा करोड़पति। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं कौन बनेगा लखपति। आप मेरे तरफ में देखो, ध्यान देखो, देखो आप कैसे लखपति बनोगे। देखो ये माला है, अच्छे तरह से सीख लो। जैसे ये सुमेरु, ये राधा कृष्ण का रूप है, ये जो एक एक मोती है ना, वो एक एक मोती नहीं, एक एक गोपी है, मानो बीच में राधा कृष्ण को रखकर ये रास कर रहे हैं। इसलिए जैसे ये माला को देखो, ये जो अंगुल है ये गंधा अंगुल है, ये अंगुल को उसमें टच नहीं करानी चाहिए, ये सबसे पहले निकलता है ना, मैं तेरे को देख लूंगा, बोलते ना तेरे को हम देख लूंगा, ये गंधा अंगुल। और ये बीच वाले अंगुल में रख करके जैसे हरे कृष्ण बोले मेरे साथ में, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो कैसे 1 लाख होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब एक बार नाम ले 16 बार हो गया, और इसमें 108 मोती है। जब यहाँ पर समाप्त हो जाए, याद रखना जैसे यहाँ पर समाप्त हो जाए, ये अंगुल को पार नहीं करनी चाहिए, क्यों? ये राधा कृष्ण का रूप है, इसलिए उसको पार नहीं करके उसको घुमा दो, ऐसे घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करनी चाहिए। अगर ऐसे 16 माला कर लिया ना, हो गया 25,000। अगर ऐसे 64 माला अगर इसमें कर लिया, 64 माला कर लिया, हो गया 1 लाख। भगवान खुद कहते हैं तुमने 1 लाख माला नहीं किया, आज तुम्हारी नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट हो। भगवान खुद कहते हैं भैया ब्याज कितने मिलेगी, ब्याज कितने मिलेगी। इसलिए मीरा कहती है दीन दीन बरत सभा मैंने राम रतन धन पाऊं। आज अगर 1 लाख नाम किया ना,
कहले तुम्हें 1,25,000 मिलेगी और 4 दिन में डबल। साधारण पैसा को बैठ कर को 8 साल में डबल होगी और ये 4 दिन में डबल। और ये धन है ना अंतिम समय में पूरा के पूरा तुम्हारे साथ में जाएगी, यही धन ही तुम्हारे साथ में जाएगी। और जो ऊपर जाओगे ना बाद जब काफी खुलेगा माला ही माल है, मेरी क्लास में माला माल वहां पर मिलेगा, फिर तो माला ही माल हो जाओगे। ठीक है अभी आप एक माला लेते हैं 5 मिनट बैठ कर एक माला जप करेंगे, उसके बाद में एक कीर्तन पर प्रसाद लेकर सबके सब घर में जाना। ठीक है हम सबको एक माला दे दो। भैया आप खड़े हो जाते नंदू जी, ये माला लेकर सबको दे दो। जिसको पास में नहीं उनको दो। ये माला आपको देने के लिए नहीं दे रहे हैं, माला जप करके मेरे को वापस दे जाना, कोई लेना नहीं माला, आपको मैं जप करने के लिए मैं दे रहा हूं। आप लोग सबके सब आंख बंद कर लेना, ये समझना वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण में हम बैठे हैं, ठाकुर जी के चरण में बैठ करके ये माला जप कर रहे हैं। अब देखो जब ये माला करोगे ना आप स्वयं देखोगे कितने शांति मिलती है, आप स्वयं देख लोगे इतने शांति इतने सुख तुमको मिलेगा जैसे यहाँ पर बैठे हो ना। लेकिन जब ठाकुर का नाम लोगे देखो कहाँ पर बैठे हो, गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी के चरण में बैठे हो। जो ठाकुर का नाम लेते हैं भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं, समझ गए ना माला को। देखो ऐसे पकड़ना और ये अंगुल पर टच नहीं करना, ये अंगुल को बाहर निकाल, देखो मेरे तरफ में ये अंगुल को बाहर निकालना है, बाहर निकाल करके हाँ ये वाला अंगुल को ऊपर में इसको ऐसे पकड़ना, पकड़ करके एक तरफ से करने का। ठीक है अब देखो ये हरिनाम को जोर जोर से करना है, क्योंकि जोर जोर से करने से हम यहाँ कितना भक्त बैठे हैं, समझो अगर 60-70 भक्त बैठे हैं, माला तो एक जप करोगे माला तो एक करोगे लेकिन फल कितना मिलेगा, 60 माला जप करने का मतलब आज ही आप लखपति बन जाओगे, आज ही लखपति बन जाओगे, क्योंकि सभी की गला का आवाज सभी को एक करोगे लेकिन माला का फल मिलेगी, 60-64 माला करने का फल मिलेगा। इसलिए सबके साथ मेरे साथ में सबके सब जोर जोर से मेरे साथ में बोलना। ठीक है हरे कृष्ण, सबके सब आंख बंद कर लो और समझो से वृंदावन में बाकी भी हरि चरण बैठे ही बैठ करके सबके सब हरि नाम लो। ठीक है हाँ बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक बोल सकेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
हाँ
कृष्ण अभी आप जाते समय सब प्रसाद लेके जाना उनका कल तो समोसा मिला था आज आपको दो दो पैकेट मिलेगी प्रसाद का दो दो पैकेट मिलेगी अब और पांच मिनट थोड़ी सी कथा सुन लो फिर प्रसाद लेके जाना और पांच को मिलेगा हमारे बीच में प्रभु ही है थोड़ी सी आपको बड़ी अच्छी कथा सुना श्रीकृष्ण चैतन्यनित्यानन्द गदाधर शिव सति गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र जैसे श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ हमारे बीच में आसीन पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और महाराज जी की भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ जितने भक्त लोग यहाँ पर आए हैं माताएं लोग दीदी लोग प्रभु लोग सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं कल से प्रारंभ हुआ है हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो लोग कथा करा रहे हैं वो तो विशेष सौभाग्यशाली हैं और जो लोग इस कथा में आ रहे हैं वो भी विशेष सौभाग्यशाली हैं भागवत कथा की महिमा महाराज जी ने कल आपको श्रवण कराई थी कि भागवत कथा में कोई साधारण व्यक्ति आ नहीं सकता जिसके जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं वो भागवत कथा में आकर बैठ पाते समझ नहीं सिर्फ बैठना भी कितने सारे लोग हम देख रहे हैं 18-18 मंजिल बना यहाँ पर और हम जब रास्ता को निकलते आ गए तो महाराज जी का बैनर है इस भी अपार्टमेंट में लगाता उसमें भी लगाता और बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया गया और कितना छोटा हॉल है ये भी भरा नहीं इसलिए क्या है भागवत कथा में हर व्यक्ति नहीं आ पाएगा आप इन्वाइट करोगे महाराज जी ने बताना शिव जी बोल रहे पार्वती को कि आप निमंत्रण भी दो भागवत कथा में लोग आएंगे क्यों क्योंकि जन्म जन्म के जिसके सौभाग्य नहीं है पुण्य नहीं है सुकृति नहीं है वो भागवत कथा में बैठे नहीं रहे उनका मन ही नहीं लगेगा इसलिए जो लोग यहाँ पर बैठे हैं चाहे किसी भी 5 मिनट के लिए आए 10 मिनट के लिए आए बहुत सौभाग्यशाली है और जो लोग 7 दिन यहाँ पर श्रवण करेंगे उनका तो कहना ही क्या इसलिए भागवत कथा एक ऐसी वस्तु है भागवत कथा में हर वस्तु का समाधान है भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है भागवत की महिमा में महाराज जी ने बताया भागवत क्या है तमादि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामय भागवत स्वरूप जो आदि देव है भगवान वो ही करुणा करके कलयुग में श्रीमद् भागवत के रूप में आए ये भागवत और भगवान एक ही वस्तु है जो भगवान दे सकते हैं वही भागवत दे सकती है इसलिए भागवत में आप जिस भी वस्तु का मांगोगे वही मिल जाएगी जिस भी वस्तु को मांगोगे स्वर्ग चाहिए स्वर्ग मिल जाएगा जनलोक तपलोक सत्यलोक ब्रह्मलोक यहाँ तक कि गोलोक वृंदावन जहाँ भगवान का प्रेम है जहाँ दुख नहीं है जहाँ पर रोग भी नहीं है शोक नहीं है जहाँ मृत्यु नहीं होती जहाँ बुढ़ापा भी नहीं होता वहाँ पर आनंद ही आनंद भगवान का धाम वृंदावन है उसी को देने के लिए भागवत का वही फल है एक बात भगवान का प्रेम इसलिए महाराज जी नाम के माध्यम से कह रहे ना कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार भागवत का फल भी है किसी तरह से सारी वस्तु को छोड़कर भगवान के पास हम लोग जाए देखो भगवान बहुत दयालु है भगवान इतने दयालु है हम सबसे प्रेम करते हैं इस जगत में कोई किसी से प्रेम करे ना करे
और हम जिनको अपना प्रेमी मान रहे हो सकता है वो हमारा ना हो, पर भगवान हम सबके और हमारे इतने निकट है, इतने निकट है, कोई हमारे पति भी हमसे कभी दूर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कभी पढ़ने जाते हैं बच्चे लंदन में या स्कूल में, कभी दूर दूर जाते हैं, पर एक ऐसे व्यक्ति जो एक सेकंड भी हमें छोड़कर नहीं, कौन है? भगवान है। वो कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में रहते हैं, एक सेकंड भी हमें छोड़ के जाते नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि हम इतने सारे हमने रिलेशन बनाए, इतने सारे संबंध बनाए, पर कोई भी काम नहीं आता समय। डॉक्टर भी कभी क्या बोलते हैं, सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, पर क्या है भगवान? क्या है भगवान? हमारे सबके रक्षक प्रेमी है, पर हम लोग उनको भूल गए। तो भागवत कथा क्या है? उसी को भगवान कितने प्रेमी है, कितने दयालु है, और हमारे कितने सुहृदय, मतलब कितना हमारे विषय में सोचते हैं, यही बताने के लिए भागवत कथा आई, इसीलिए संत आए। तो भागवत कथा जो है इससे हमें पता लगेगा क्या है, भगवान हमारे विषय में बहुत अधिक सोचते हैं और हम लोग उनके विषय में बिल्कुल भी नहीं सोचते। भगवान की हमें जरूरत भी नहीं है, भूल भी चुके हैं भगवान को, पर भागवत क्या है, हमें जगाने के लिए आए। जैसे एक खिलौना होता है ना, खिलौना, कुछ लोग बड़े दूर दूर से आए भागवत सुनने के लिए, कुछ लोग यहाँ से आ भी नहीं पाते। कारण क्या है? इसका मानो एक खिलौना है 100 रुपए का है, और एक 2 साल के बच्चे को दोगे और खिलौना चाबी भरोगे, यहाँ से यहाँ चल के जाएगा, यहाँ से आएगा, और आप लोगों के सामने एक सोने की ईंट रख दी जाए और एक खिलौना रख दिया जाए 100 रुपए का, एक 2 साल का बच्चा किसको उठाएगा? आप किसको उठाओगे? सोने की ईंट चल भी नहीं रही, किसको उठाओगे आप लोग? क्यों बताओ, क्यों? इसकी हमें कीमत पता है, सोने की कीमत क्या है? 5 लाख की सोने की ईट है, इसमें बहुत सारे खिलौने आ जाएंगे, पर बच्चा किसको उठाएगा? बच्चा 100 रुपए के खिलौने का लेगा, क्योंकि उसे पता नहीं इसकी कीमत क्या है। भागवत कथा कौन सुनेगा जिसको कीमत पता है? विदेशों से लोग आते हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से, वृंदावन में जाओगे आप, वो कहते हैं भारत के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, जहाँ पर गंगा जी नदी बह रही है, जमुना, सरस्वती, प्रयाग, वृंदावन, नवदीप धाम, हम लोग लाख लाख रुपया करके वीजा लेकर आते हैं, और एक एक हम महीने में जाते रोते यहाँ से, वीजा खत्म हो गया, जाना पड़ेगा। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, पुण्य भारत में आपका जन्म हुआ है, और हम लोग यहाँ पर आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि वो कीमत पता है उनको, किसी संत महात्मा आ गए वृंदावन से विदेश में और उन्हें भगवान की महिमा पता लगा, हमें महिमा ही नहीं पता। इसलिए हम लोग इस भागवत जो है ना इसके पास ज्यादा जाएंगे नहीं, पर जिसको कीमत पता लगी वो कहाँ से आएगा? वो दूर दूर से सुनने के लिए आएंगे और बैठेंगे और सुनेंगे, और फिर इनको आनंद भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। इसलिए आप लोग रोज रोज कथा में आना और ध्यान से कथा को सुनना, देखना 7 दिन के बाद जरूर परिवर्तन आएगा जीवन में, किसी किसी का तो पूरा ही जीवन परिवर्तन हो जाता है, और कुछ ना कुछ हो जरूर, मैं 100% गारंटी दूं, कोई 7 दिन बैठ के देखो जीवन इस कथा में, 7 दिन बैठ के देखो, ज्यादा नहीं, 7 साल नहीं, 70 साल नहीं, 7 दिन बैठ के कथा सुनो, देखो जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। इनका जीवन तो आज ही परिवर्तन आ गया, आज बैठ बैठ करके 10 मिनट ठाकुर का नाम जप किया और यहाँ पर 3-3 घंटा में बैठा, आज ही इनका जीवन तो आज ही परिवर्तन में तो दिख रहा है, सभी के ललाट को दिख रहा हूँ, सब तो आप लोग सभी भाग्य बदले गया है। इसलिए संत लोग देख लेते हैं ना, जो असली बैग होते हैं ना तुरंत दवाई का देख लेते हैं, जो छोटे बैग होते हैं देख नहीं पाते, इसलिए महाराज जी ने तुरंत देख लिया कि आप लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ अभी दवाई का असर हो रहा है, और 7 दिन के बाद तो कितना होगा देखते रहिए। इसलिए आप लोग आइए कथा में, हमारे दीदी त्यागी प्रभु जी हैं, इन लोगों ने कथा का आयोजन किया है, और जो कथा का आयोजन करते हैं वो भी बहुत जन्मों के बाद, बड़े कोई पुण्य देवता उन्हें कथा कराने की इच्छा होती है, तो इन्होंने कथा की आई है, इनके सौभाग्य से, इनके सहयोग से आप लोग सब लोग कथा सुन रहे हैं और हम लोग भी कथा सुन रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप लोग भी कथा को जरूर सुनिए, 7 दिन के
सुन के फिर आपको उसका जरूर रिजल्ट आएगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, जय श्री राम। खड़े हो जाओ, प्रभु जी बढ़िया भजन गाएंगे और भजन में सब कुछ नाचना, ठीक है ना? और भगवान की भागवत को सामने जो नाच लेगा, पर 84 लाख जन में नाचना बंद हो जाएगी, इसलिए सबके सब नाचना, बढ़िया नाचने का बोलना। मोहन से दिल को लगाया है ये, नहीं जानू या मोहन से दिल क्यों लगाया है, जानो या हो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानो या हो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानो या हो जाने। Thank you.
Yeah.
Thank you.
हमारे दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए उनका नाम हरि है। बोल मतलब जब हरि का नाम लोगे जीवन का सारे दुख कष्ट तुम्हारी समाप्त हो जाएगी, इसलिए वो हरि बोल। ठीक है, सबके सब बोलो निताई गौर हरि आती आती
Thank you.
श्री हरिलाल की, श्री राधा रानी की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, भारत माता की सत्य का नाम लेते हैं। सभी अपने अपने घर को जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री राम।